नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द टॉक शो में। मैं कपिल राज पुरोहित आ गया हूँ एक नए पॉडकास्ट के साथ। काफ़ी समय बाद वापस आए हैं, तो आप लोगों का प्यार ऐसे ही मिलता रहे हमें। ठीक है, तो आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज हमारे साथ जुड़े हैं एस्ट्रोलॉजर चंद्र प्रकाश जी व्यास। चंद्र प्रकाश जी, बहुत बहुत नमस्कार स्वागत है आपका हमारे शो में। तो नमस्कार। चंद्र प्रकाश जी, आज की वीडियो में हम लोग क्या करेंगे कि बेसिक चीज़ें जैसे एस्ट्रोलॉजर क्या है, बस जो भी चीज़ें हैं उसके ऊपर चर्चा करेंगे। तो शुरुआत हम आपके परिचय से करेंगे। ठीक है, थोड़ा आप अपने बारे में बताइए, आप क्या पेशा वगैरह कैसे क्या है। मेरा नाम चंद्र प्रकाश व्यास है। जी बेसिकली एक पारंपरिक पंडित खानदान से आता हूँ जी और ज्योतिष, एस्ट्रोलॉजी, हाथ की रेखाएं पढ़ना, ये हमारे खून में होता है। हम लोग बचपन से ही, हमको शिक्षा मिलती है पंचांग जी और सब ज्योतिष की जो चीज़ें हैं उनको देखने परखने की। तो इसके लिए हमको कोई बहुत ज़्यादा मतलब क्या कह सकते हैं कि एक्स्ट्रा हाँ एफर्ट नहीं लगाने पड़ते हमको, जी क्योंकि परिवार का माहौल ऐसा होता है। शास्त्रों की बातें, मंत्रों से सुबह की शुरुआत। तो हमारे परिवारों में अमूमन बच्चा जब से बोलना शुरू करता हो, संभालना, मतलब 12, 15, 16 महीने, 18 महीने का जब भी, जी तो शुरुआत से उसकी हनुमान चालीसा सिखाने से या ऐसी मंत्र चीज़ों से, पढ़ने से मंत्र शुरुआत पढ़ने से शुरू हो दे दिया। जाती है। जी जी तो एस्ट्रोलॉजी जैसे आपने स्टार्ट की, जैसे आपका यूट्यूब चैनल भी है, ठीक जी है ना, आप वहाँ बताते भी हैं। तो एस्ट्रोलॉजी आपने कब सोचा, भाई मैं एस्ट्रोलॉजी मैंने स्टार्ट की है, मतलब कब शुरुआत कब हुई इसकी? वैसे आपने बताया कि बचपन से शुरुआत जाती है। ठीक बचपन से शुरुआत है, हो जाती हाँ है। क्या था, ये कोइंसिडेंट था, एक घटना थी कि इसमें आना पड़ा। जी मैं एक्चुअली इस काम से बहुत ज़्यादा एंटरटेन नहीं करता था, इसको ज़्यादा अच्छा रुचि नहीं लेता था इस काम में, जी क्योंकि सीखना या सुनना परिवार का एक परंपरा थी, तो उसमें जी ये सब चीज़ें होती थी। पर मैं चाहता था कि मैं एक अलग लाइफ जीऊँ, मैं जॉब करूँगा, मैं ये करूँगा। मेरे पिताजी और माँ, मेरी माँ कभी स्कूल नहीं गई, लेकिन संस्कृत की बहुत अच्छी विद्वान थी। जी गीता के 18 अध्याय उसको संस्कृत में कंठस्थ याद थे। संस्कृत में हाँ, उस ज़माने में बहुत ज़्यादा पढ़े नहीं हुए थे, जी लेकिन फिर भी उनको, और गणित की भी अच्छी मास्टर, वो हमेशा एक ही बात कहते थे कि तू भले इस फील्ड में जा मत जा, पर सीख, कभी तेरे काम आए। काम है तो बिना रुचि के कभी कभार से सीख लेना, सुन लेना, पढ़ लेना। जी चूंकि ददियाल का माहौल ऐसा नहीं था, ननिहाल का माहौल पूरा ज्योतिषियों का, ज्योतिष एस्ट्रोलॉजर्स का, इन सब का था। तो जब भी छुट्टियों में जाते थे तो ये सब चीज़ें करते थे। मैंने कई साल जॉब की, ज़िंदगी का एक लंबा समय मैंने जॉब में या आर्ट फील्ड में गुजारा जी अपना, एज एन एक्टर, एज एन थिएटर आर्टिस्ट, और प्राइवेट जॉब भी की अलग अलग फील्ड में, जी एनजीओ से भी एक लंबे टाइम तक जुड़ा रहा। 20 साल पहले अचानक से मेरी लाइफ में कुछ अजीबोगरीब घटनाएं घटना शुरू हो गई। 20 से 25 साल पहले की बात बात, जी तो मैं देख रहा था कि मेरे एफर्ट एकदम सही जा रहे हैं, फिर भी मेरी लाइफ में इस तरह का स्ट्रगल, इस तरह की प्रॉब्लम क्यों आ रही? क्यों आ रही है। जी तो एक रुचि जगी कि यार मैं जानूं तो सही, वास्तव में अगर ये चीज़ है, जैसे मेरे पुरखे ये सब कुछ घर में करते हैं, जी अगर ये कुछ चीज़ है तो कोई मुझे जवाब भी देगी, सही कोई सॉल्यूशन भी निकलेगा। तो शुरुआत तो हुई थी अपनी समस्याओं के समाधान खोजने के लिए, जी और धीरे धीरे रुचि बढ़ गई। अपना भी खोजा और दूसरों के भी खोजने लगे। जब स्टडी बढ़ी, जी यार ये रेखा मेरे हाथ में तो नहीं है पर किसी और के हाथ में होगी, क्या वास्तव में उसके साथ ऐसा घट रहा है क्या, जी या मेरी कुंडली में ऐसा ग्रह यहाँ बैठा हुआ है, ऐसा नहीं है, लेकिन ये जो चीज़ लिखी हुई है किसी और की कुंडली में होगी। तो ऐसे शुरुआत हुई यार दोस्तों की, मित्रों की, पड़ोसियों की कुंडलियाँ देखने की, जी जिज्ञासा सीखने की और जिज्ञासा लालसा पढ़ने की। तो करना। धीरे धीरे ये ज्ञान खुद के उसको भी डेवलप करता रहा और दूसरों की तरफ भी। तो अनप्रोफेशनली मैंने ये काम 20 साल किया, कि कोई अच्छा, चार्ज नहीं ले रहा हूँ, मैं बस शौक किया, क्योंकि मुझे अपना ज्ञानवर्धन ज्ञान करना रखना था, होगा, मुझे अपने आप को थोड़ा शार्प हाँ करना था शार्प सब चीज़ों करना में। क्योंकि अब तो प्रोफेशनली इस चीज़ को कर रहे हैं तो अलग है, था। लेकिन सीखने के दौरान ये सब कुछ चीज़ें हम लोगों ने करी, अच्छा और इस तरीके से मैं इस फील्ड में आया। तो मंत्रों की ताकत को समझा। ज्योतिष एक बहुत बड़ा विषय है बहुत बहुत आजकल, सॉरी टू से, माफ़ी चाहता हूँ बोलने के लिए। आजकल कोई भी यूट्यूब पे या हाँ वही अपना आ जाता है मुंह उठा के, कोई भी कुछ भी जानकारी नहीं होती जी, बेसिकली, मैं शॉर्ट्स सच के बता चक्कर रहा में हूँ। नहीं हाँ, रील है। एक दूसरे को सुन के मैंने उस यूट्यूबर को सुन लिया, मैंने उसको सुन लिया, और मैंने अपनी तरफ से कुछ एक दो चीज़ें बोल दी, और साहब ये मंत्र, कुछ मंत्र तो ऐसे बताए जा रहे हैं जिनका कहीं अस्तित्व है ही सही नहीं, नहीं
शास्त्रों में कहीं अस्तित्व नहीं है। दो तरह के मंत्र हैं, देखिए बेसिकली तीन तरह के मंत्र हम बोल रहे हैं, एक जो वैदिक मंत्र है जी, दूसरे जो तांत्रिक मंत्र है जी, तीसरे जो साबर मंत्र है। साबर मंत्र ऐसे ज्ञानियों ने, ऐसे भक्तों ने उन चीजों को क्रिएट किया जिनको बहुत ज्यादा भाषाई ज्ञान या लिखावट का ज्ञान नहीं था, पर उनकी भक्ति और जो उनकी साधना थी बड़ी प्रबल थी, तो उन्होंने जो बोला जैसे बोला वो मंत्र हो गए, क्योंकि वो लगातार उस चीज को जपते रहे। आपने सुना होगा मरा मरा जपते जपते भय वाल्मीकि राम, तो वाल्मीकि ने राम पढ़ना तो नहीं सीखा था, मरा मरा, क्योंकि उसके जीवन में तो मार नहीं था, उंगली मार रखे तो था, तो अब मरा 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 करते करते राम शुरू हो गया। तो इसी तरीके से साबर मंत्रों की भी एक एक बीच में, जैसे कामाख्या के कई सारे मंत्र हैं, या जो हमारी लोक भाषा में बहुत सारे मंत्र हैं वो साबर मंत्र कहलाते हैं। शास्त्रोक्त मंत्र दो हैं, एक वैदिक वेदिक तांत्रिक मंत्र, ठीक। पर आजकल जिस तरीके से यूट्यूब पे बहुत सारे ज्योतिष देखता हूँ आते हैं, बोलते हैं अच्छी बात है, बोलना चाहिए अपने अपना, कमेंट्स नहीं है, पर ऐसी चीजें ना बोले, ऐसे भ्रम ना फैलाएं। आइए मैं आपको वशीकरण सिखा देता हूँ, क्या बिना किसी योग्य गुरु की सलाह के, बिना किसी योग्य गुरु के सानिध्य के बिना कभी इन चीजों को प्रयोग नहीं करना चाहिए, घातक सिद्ध होते हैं, मेरा व्यक्तिगत अनुभव है, मैं बता रहा हूँ। पर खैर ये सब चीजें हैं, जैसे आपने कहा व्यक्तिगत अनुभव है, तो हम अनुभव के बारे में जान सकते हैं क्या कैसे कुछ है? अपन नाम वगैरह नहीं लेंगे, पर हाँ किसी व्यक्ति का नाम लेंगे अगर कोई है अपने, जैसे अनुभव के बारे में जानना चाहें तो। जैसे अभी कुछ मंत्र जो आजकल YouTube पे आ रहे हैं ना, हमारे एक मित्र हैं, वो अक्सर मुझसे फोन पे पूछते हैं कि, अब वो कभी भाई भी बोलते हैं कभी गुरु भी बोलते हैं, चूंकि बचपन के मित्र हैं, उनसे पूछते हैं, कहीं बोलता है गुरु कहीं बोलता है भाई। ये आज मैंने यूट्यूब के उसमें देखा, वो ये मंत्र बता रहा था। मैं कई बार कहता हूँ भाई इन सब चीज़ों में मत उलझो, ठीक है। एक दिन उनके घर से फोन आया कि बोले ये एकदम से बहकी बहकी सी बातें कर रहे हैं जी, और एबनॉर्मल हरकतें कर रहे हैं जी, आप भाई साहब तुरंत घर पर पधारो, क्योंकि भाभी जी का फोन था, तो मैं ऐसा क्या हो गया जी, अभी तो सुबह समय से अच्छी तरीके से बात की जी। अब घर गया उसको पूछा तो बहुत यूँ डरा डरा सा, ऐसा अजीब सा, सहमा हुआ सा, और अंदर घुसते ही उसकी जो एनर्जी का जो ऑरा था ना, वो मुझे बार बार टच कर रहा था कि बहुत ज्यादा कुछ नेगेटिविटी से भरा हुआ। मैं पूछा उसका नाम लेकर, भाई क्या हुआ? तो कुछ बोल नहीं रहा। नहीं, अब वो उसकी आंखें जो है वो मूवमेंट बद गया, हाँ, वो जब भी कभी कोई आदमी नेगेटिव एनर्जी के इफेक्ट में आएगा तो वो एक जगह स्थिर रख के आंखें आपसे बात नहीं करेगा, उसकी बबलिंग करती रहेगी आंखें, और उसकी हाथ पांव जो है वो अलग तरीके से आते रहते हैं। मैंने भाभी से पूछा कि ये कब से है ये स्थिति, क्या हुआ है? तो बोले कि पता नहीं 8-10 दिन से रोज रात को अकेले छत पे कभी जाके बैठते हैं और एक कोई मंत्र है वायु वेगम मम कार्य सिद्धम, ऐसा कुछ करता है इस तरीके से जी। क्या ऐसे वायु वेगम मम कार्य सिद्धम करने से क्या वायु वेग वायु देवता ऐसे जल्दी आपसे इस प्रश्न से? अब जो इस तरह की अजीबोगरीब समय में आप कुछ भी जाके इस तरह की हरकतें करते हैं बिना किसी गुरु की सलाह, तो क्या हुआ कि आप किसी नेगेटिव एनर्जी को टच कर रहे हैं जी, और वो एनर्जी जब आपको छूने लगेगी, जब आपको वो करने लगेगी, फिर कुछ जो हमारे प्राथमिक उपचार है हमने किए, तो 2-3 दिन में जाके उसको नॉर्मल किया। भाई ये तेरे को किसने कहा था ये सब क्या कर रहा है? तो बोले यार वो वीडियो एक, वो बहुत बड़े ज्योतिषाचार्य अपने आप को कोई जगत गुरु भी लिखते हैं, कोई पता नहीं क्या है ऐसे भी लिखते हैं, उनका बताया मंत्र था तो जगत गुरु शंकराचार्य पूरे भारत में चार है भाई, इसके अलावा जो भी भारत में है अब कोई कमेंट्स नहीं है, फर्जी वाड़ा है सबका, एक साजिश के तहत बहुत सारे बन गए हैं। मैं भी लिख दूं कल को जगत गुरु चंद्र प्रकाशाचार्य, तो क्या कौन मुझे रोकने वाला, क्योंकि भारत तो आजाद है, कुछ भी लिखूं अपने पीछे, ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन ऐसा हो रहा है। तो बड़ी मुश्किल से बंदे को वापस चीज में वापस निकाला लेके आया, उस डिप्रेशन से बाहर निकाला। अब आप साइंस की बात में कहें तो डिप्रेशन से बाहर निकाला उसको, उस चीज से बाहर, वो चीज उसमें वही हो गई थी, क्योंकि आजकल क्या हो गया ना,
कि फोन तो सब क्या सूख गए हैं, और शॉर्ट्स का मामला है, शॉर्ट्स में क्या दुनिया रहते हैं। अब हाँ घर की जैसे लेडीज है, जैसे मैं अभी देख रहा हूँ आसपास के, अब क्या है सब लोग गुरु बन गए हैं। अब घर में बोलते हैं घर के ऊपर कबाड़ा रखने से घर में लक्ष्मी नहीं आती, ये करने से ये नहीं होता, तो हाथों हाथ रील को पॉज करके वो चीज़ करेंगे, ये करने से ये होगा। इस चक्कर में कई चीज़ें तो नुकसान हो जाती है। हाँ कुछ लोग सही होते हैं, कभी कार हाँ कुछ चीज़ें सही मैं होती ऐसा नहीं कह है, रहा, सारे सारे गलत गलती, होते हैं। बहुत सारे एकदम परफेक्ट और बहुत बढ़िया, बढ़िया बताते हैं। हाँ अच्छी बातें बोलते हैं और वास्तु से रिलेटेड अच्छी चीज़ जानकारी भी मिलती। ऐसा नहीं कि भाई ब्रॉडकास्ट पे या पॉडकास्ट जिनका भी बनते हैं या कोई यूट्यूब पे गलत, सारी गलत ऐसा नहीं है, जी अच्छी चीज़ें भी आती है। पर ये जो तंत्र मंत्र से रिलेटेड चीज़ें मैं आपके माध्यम से सबको कहना चाह रहा हूँ, प्लीज़ कोई योग्य गुरु ना हो, कोई सही गाइड करने गाइडनेस। वाला आपके पास ना हो, साथ में बैठकर जो ना करवाए, इस तरह की किसी भी वशीकरण वशीकरण के चीज़ों में ना पड़े, ऐसे टोने टोटकों में ना वैसे ना ही घुसे। करें कोई हाँ ना ही चीज करें तो है, ज़्यादा गुरु अपन को बेहतर, बनाना है क्यों, ना करें तो सबसे बेस्ट है, बहुत ज़्यादा बढ़िया है। सब बढ़िया आप है। सात्विक रूप से भगवती को याद करें, आप महादेव को याद करें, आप अपने कुल देवता को कुल याद देवता करें, याद करें, आप सब कुछ पालेंगे जो आप पाना पान चाहेंगे। करते हैं लेकिन व्यक्ति क्या, शॉर्ट टर्म में मेहनत कुछ नहीं करना है, जी। काम मुझे नहीं करना है, आप ऐसा कर लीजिए, आप अचानक अब धन बन, कैसे बन मेहनत जाएंगे भाई, बिना बिना किसी मेहनत के, की बिना कुछ कर्म के, आप सिर्फ एक नींबू रखने से क्या पैसे वाले बन जाएंगे? कर्म ऐसा तो नहीं, करना ही कर्म पड़ेगा, करना पड़ेगा बिना कर्म बिल्कुल। के। तो मैंने भी जब शुरुआत की तो मैंने ऐसा नहीं था कि मैं कर्महीन हो गया। हाँ मेरी माँ कहती थी कर्महीन सपने सुखनाई, कर्महीन व्यक्ति को चाहे वो कितना भी जाप कुछ कर ले कोई जी कुछ नहीं। और देव देव एक जगह तुलसीदास जी ने अपनी रामचरितमानस में लिखा है, श्लोक है कि देव देव आलसी पुकारे, ज्यादा प्रार्थनाएं भी आलसी व्यक्ति करता है। अच्छा कर्मवान व्यक्ति अपने नियमित जो पूजा पाठ है जप है वो करेगा, व्यर्थ के प्रपंचों में नहीं पड़ेगा। जो दैनिक चीजें जैसे सुबह आप जल्दी उठें, आप नहा दैनिक धो के ईश्वर को ध्यान करें, उसके बाद आप अपना कर्म करें, आपको फल मिलेगा। फल मिलेगा। पर अब मैं दिन भर माला लेके जप करता रहूं, कभी कमल गट्टे की, कभी रुद्राक्ष की, कभी मोती की, तो इससे कुछ हासिल होने भाई वाला नहीं। माला फेरे इनके पैया जा हाँ काम पया आ जाएगा तो नहीं, ऐसा मारवाड़ी इनके जो बिना जपे कहीं, कर्म कहीं करना कर्म तो करना पड़ेगा। पड़ेगा, कर्म करना पड़ेगा। हाँ वास्तु में जो आप एक चीज बोल रहे थे ना कि घर के ऊपर कबाड़ा नहीं रखे, बिल्कुल सही बात है। कुंडली का 12वां घर होता है हमारी छत, जी मृत्यु और वय का घर। जी यदि आपके घर की छत के ऊपर कबाड़ा रहेगा, यानी आपका सर, सर कबाड़े बाहर अब है यूं देखे तो 12वां घर ऊपर ये, ऊपर ये तो जब यहाँ पे आप कचरा लेके चलेंगे तो क्या आप कुछ अच्छे डिसीजन कर पाएंगे? नहीं नहीं। कर पाएंगे। तो इसी तरीके से टूटी हुई खाट निवा, कुछ लोगों को शौक होता है बस कबाड़ा इकट्ठा करके रख देने का, कभी काम आए कभी काम नहीं आता। जी कभी कुछ ऐसी चीजें हैं तो जो जीवन में कभी काम नहीं काम नहीं आती, आप आता उनको व्यर्थ में ऊपर, तो जो 12वां घर है उससे डिस्टर्ब होता है। छत जितना नीट एंड क्लीन साफ रहेगी, आप दिमागी रूप से उतना हल्का महसूस करेंगे, करेंगे। अच्छा रहेगा। घर जितना साफ सुथरा रहेगा उतना अच्छा रहेगा। अभी कुछ लोग, अभी कुछ दिन पहले हमारे मित्र तो बोले कि यार ये वास्तु शास्त्र तो अभी आया है सभी, भाई पहले कौन से वास्तु शास्त्र होते थे, लोग नहीं जीते थे क्या? अभी आजकल कुछ ज्यादा ही फंडे हो गए। हाँ मैं मानता हूँ कुछ चीजें आजकल कुछ दादा हो गए। व्यर्थ पैदा हो गए, बट वास्तु को जितना पुराने लोग जीते थे जितने अच्छे तरीके से, आज नहीं नहीं जीते। जीते गोबर के आंगन होते थे, कच्ची जमीन घर में होती थी, तुलसी का पौधा चौक में होता था, चौक कभी बंद नहीं होता था, चारों तरफ खुला से खुली हवा खुली का, हवा थी, तो जितना फ्रेश हवा के साथ आप संपर्क में रहेंगे तो आप उतना वैसे ही पॉजिटिव स्वस्थ घर रहेंगे। मित्र में पॉजिटिव बनी रहेगी, एकदम अंदर घुसते पॉजिटिविटी, वाइटनेस, जिस एकदम घर में चारों तरफ से खुलापन लाइट आ हो, रही है। हाँ हाँ, और बीच नेचुरल में घर लाइट, बना हुआ हो, नेचुरल लाइट आ रही हो, जिस घर में वह नेगेटिविटी तो आ ही नहीं हो ही नहीं सकती। सकती बिल्कुल भी, गोबर के आंगन में गाय का गोबर तो सबसे पूजनीय सबसे है, पूजनीय है और साइंस ने इसको मांग लिया है, विज्ञान ने इसको मांग लिया है, गोबर जलाने से ऑक्सीजन पैदा होती है। जी। तो वो जितने वैज्ञानिक थे हम उतने बन नहीं सकते, नहीं हमने बहुत सारी चीजें गलत कर दी, उसका खामियाजा हम भुगत रहे। आज कितने गांव में शहरों में आपको पीपल देखने को मिलता है, पहले हर गांव की एक पहचान होती थी कि पीपल, पीपल बड़ा का गांव का चौक, चौक चौक पीपल हुआ करता था। पीपल हुआ करता था, गांव की मैक्सिमम लोग, सारी पंचायतियां, बैठक, पीपल ही नीचे बातें लगा वहां होती थी, क्योंकि पीपल 24 घंटे ऑक्सीजन ऑक्सीजन देता रिलीज है। करता सही है। है
तो वहां बैठने वाले स्वस्थ दिमाग के साथ स्वस्थ निर्णय लेंगे लेंगे। अब तो ही नहीं पीपल तो बस कहाँ है ही नहीं बिल्कुल। एक्चुअली एस्ट्रो होता क्या है एक थोड़ा सा मेरे को संक्षिप्त बताइए कि एस्ट्रोलॉजी क्या चीज़ है, क्या इसमें क्या क्या चीज़ें आती है, ऊपर ऊपर से बताइए बस थोड़ा, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी मेरे को पता है बहुत बड़ी टॉपिक बहुत बड़ा कैनवास है एस्ट्रोलॉजी जी। देखो इसमें समुद्र शास्त्र भी है ना, कुंडली भी है जी, इसमें नक्षत्र विज्ञान भी है, ग्रह विज्ञान भी है, समय अवधि भी है। अगर ये बहुत बड़ा समृद्ध विज्ञान है, अगर ये विज्ञान नहीं होता तो हजारों साल पहले हमारे पुरखे ऋषि मुनि इस तरह की घोषणा नहीं करते कि सूर्य पृथ्वी से कितना दूर है, कौन सा नक्षत्र किस तारीख को, ज्वार भाटा कब आएगा कब जाएगा। अगर ये सब कुछ वैज्ञानिक नहीं होती हमारी चीजें तो आज भी वो प्रमाणिकता के साथ नहीं। नासा भी हमारे ग्रंथों को लेकर अपनी स्टडी को आगे ले जाता है, अपने प्रयोगों को आगे बढ़ाता है, इसमें कोई संदेह नहीं है, कोई कोई क्वेश्चन मार्क नहीं। तो बहुत बड़ा विज्ञान है, इसमें वास्तुशास्त्र भी एक पार्ट है, उसमें हस्तरेखा भी एक पार्ट है, उसमें कुंडली भी एक पार्ट है, उसमें नक्षत्र गणना भी एक पार्ट है, उसमें भविष्यफल कथन भी एक बात है, उसमें भूमि विज्ञान, भूमि का जो चरित्र है, कौन सी भूमि पे अपन खड़े हैं तो वो क्या, उसका भी एक अलग। तो ज्योतिष में बहुत सारी अलग अलग विधाएँ हैं, बहुत बड़ा समंदर है, और इसका पूर्ण ज्ञान कोई व्यक्ति कहे कि मुझे है तो मैं समझता हूँ वो गलत बात कर रहा है। कोई भी व्यक्ति एक विषय में कुछ हद तक जा सकता है, जैसे मैं अगर अपनी एक्सपर्टीज कहूँ तो मैं हाँ कुंडली और भविष्य कथन में उस तरीके से हूँ, पर मैं एक्सपर्टीज अपनी हस्तरेखा में, मेरा इंटरेस्ट वो था तो मैं उस फील्ड में हाँ ज़्यादा अपना जन को लेकर हाँ ले गया ठीक। और कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटीज को बस जिज्ञासा बस स्टडी टाइप किया मैंने जी, कोई ये ना समझे कि मैं कोई तांत्रिक हूँ नहीं, पर मैंने पैरानॉर्मल चीज़ों को पढ़ने की, उनको समझने की, उन हरकतों को देखने की, उसके परिणाम क्या, या अगर ऐसी कुछ एक्टिविटीज़ कहीं हो रही है तो प्राइमरी तौर पे हम क्या उसको कैसे कर सकते हैं, कर सकते हैं कि वो उसको कवर कर लें जी। तो ये एक अध्ययन रहा आपका उस चीज़ को पढ़ने का। तो सर जैसे एस्ट्रोलॉजी में जैसे अभी आपने बताया कि हस्तरेखा है वगैरह है, तो हस्तरेखाएँ जैसे बचपन में बोलते हैं बच्चों की अलग होती है, बड़ों की जैसे अलग होती है। हस्तरेखा और कर्म रेखा आप दोनों को समझें जी। रेखाएं आपके विचारों से भी बदलती है। अच्छा हाँ, रेखाएं आपकी उम्र के हिसाब से भी बदलेगी जी, और आपके विचारों के हिसाब से भी, आपके कर्म के हिसाब से, कर्म के हिसाब से भी बदलती रहती है जी, ये स्थायी नहीं रहती। व्यक्ति अपने कर्म से भी कई बार इसको बदलता है, अपने विचारों से भी बदलता है। तो रेखाएं बदलती रहती है और वो इस तरीके से भविष्य कथन करती है, पर कुछ रेखाएं जो होती है वो मोटा मोटी फिक्स रहती है, परमानेंट रहती है। तो वो जस्ट लाइक ए कुंडली, आप जैसे कुंडली पढ़ते हैं, कुंडली के पहले घर में आपके ये बैठा हुआ है, लग्न में आपके ये बैठा हुआ है, द्वितीय घर में धन भाव में ये बैठा हुआ है, पराक्रम में ये बैठा हुआ है, या लाभ घर में ग्यारह में ये बैठा हुआ, अष्टमेश में ये बैठा हुआ, नौ भाग्य में ये बैठा हुआ। तो उसी तरीके से ये हाथ भी जो है ये अपने आप में कुंडली ही है, कुंडली है। अमूमन हम लोग जिनकी कुंडलियां नहीं होती या जिनको अपना एग्जैक्ट डेट मैं उसके आने वाला था हाँ जी पता नहीं होता है, तो हम उसकी लाइफ का पास्ट फ्यूचर और प्रेजेंट इस हस्त रेखा से देख सकते हैं। तो अमूमन हमको 99% तक हम उस चीजों को कवर करते हैं। तो हम लोग जैसे ही हस्त रेखा शुरू करते हैं तो हम लोग उसको कुछ कथन कुछ सवाल पूछते हैं कि क्या ऐसा ऐसा आपकी लाइफ में हुआ, हुआ है, यस हुआ, तो ठीक है, फिर हम उस स्टडी को उस तरफ ले जाते हैं, हाँ ले जाते हैं। और कुछ लोग क्या है हस्तरेखा को सिर्फ एक हाथ देखते हैं, जैसे हाँ। वो लोग कहते हैं कि हाँ जेंट्स का राइट हैंड देखना है औरत का लेफ्ट हैंड देखना है, नहीं, आप जब तक किसी के दोनों हाथ नहीं देखेंगे जी, कर और भाग्य जी को नहीं देखेंगे तब तक आप जिस्त पर नहीं पहुंच सकते, निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सकते। हाँ फिर ऊपर ऊपरी बातें करेंगे आप, हवा हवाई बातें करेंगे जो कुछ गलत कुछ सही हो सकती है। कभी कई बार हंसी में लोग कहते हैं कि इनके पास रिटे रटाए सवाल जवाब, वो नहीं, सत्यता के नजदीक भी जाते हैं अगर आप दोनों हाथों को देखते हैं। उसके बाद फिर आप उसके मस्तक की रेखाओं को पढ़ते हैं, हाथ को पीछे से भी पढ़ते हैं, अच्छा चेहरे की रेखाओं को भी पढ़ते हैं जी, है ना,
बॉडी लैंग्वेज इंग्लिश में आजकल एक आया कि आप किसी की बॉडी लैंग्वेज कर रहे हैं, आपका माइंड रीडिंग कर रहे हैं, तो ये क्या कि आपके चेहरा आपकी बहुत सारी चीज़ों को रिफ्लेक्ट करता है। देखिए पुराने जो वेद होते थे वो हस्त रेखा या हाथ देख के नाखून देख के आपके शरीर में कौन सा रोग है बता देते, नाड़ी रोग, तो ये क्या था, ये विज्ञान है ना, पूरा विज्ञान है, पूरा साइंस साइंस, तो इसको समझना पड़ेगा। वैसे जैसे किसी व्यक्ति की हस्त में रेखाएं करतल में बहुत गहरी और तांबाई रंग की है, अच्छा, तो वो किसी बीमारी को इंडिकेट करती है, ये तय है। अच्छा, हाथ में गहरी और डार्क रेखा है ना, डार्क रेखा है, अच्छा, तांबाई रंग की थोड़ी सी काली काली डार्क जो डार्कनेस के लिए वो रहती है, वो आपकी बॉडी की फिजिकल इलनेस को इंडिकेट करती है। नहीं, मेरी तो नहीं नहीं आपके नहीं तो, और जैसे आपकी हार्ट लाइन है, लाइफ लाइन है, उस पे अगर कुछ ब्रेक बने हुए हैं, स्पेशली हार्ट लाइन पे अगर बार बार कट लगे हुए हैं जी, तो ये आपकी वर्तमान या उस स्थिति को देखना पड़ता है कैसे बनी, भविष्य की आपकी हार्ट प्रॉब्लम को दर्शाता है कि ऐसा आपके साथ हो सकता है, होता है। तो हम लोग साइंस, बेसिकली ज्योतिष तो साइंस ही है, साइंस ही है, तो उसी को लेकर ही चलते हैं। तो हम ऐसे व्यक्ति को उम्र सलाह देते हैं कि आप तांबे के लोटे से सूर्य को जल चढ़ाइए, तांबे के लोटे से आप अपना पानी पीजिए, आपका सूर्य जो है कमजोर है। अब ये आप अपने शरीर में ही सारे अंगों को देख सकते हैं, देख सकते चंद्र क्या, जल तत्व है, जल तत्व है। अगर आपका चेहरा रूखा सा है, हाथ रूखे से है, आपकी बॉडी में रूखापन नजर आ जाएगा, आपकी स्किन पे भी नजर आएगा, मतलब चंद्र कहीं डिस्टर्ब है। आपके चेहरे पर ओज नहीं है, कोरा नहीं है, तेज नहीं है, आपका व्यक्तित्व प्रभावशाली नहीं है, मतलब आपका सूर्य डिस्टर्ब है, डिस्टर्ब है, आपका सूर्य कमजोर है, तब तो आपका किसी के सामने प्रभाव नहीं पड़ा, किसी के सामने बोल रहे हैं आपकी बात की वैल्यू नहीं हो रही, तो व्यक्ति बोल रहे हैं मैं बहुत कुछ अच्छा बोलता हूँ लेकिन लोग मेरी बात को नहीं, आपका ओरा का नहीं करता है, आपका सूर्य डिस्टर्ब, सूर्य डिस्टर्ब है। तो सूर्य बुध चंद्र ये सारे हमारी बॉडी के ऊपर है, इनके निशान हमारे चेहरे पर, हाथों पर, बॉडी पर है, उनको हम लोग तब हम लोग एक अंतिम निर्णय पर पहुंचते हैं, आपको ये करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, ये करने से आप, तो अमूमन क्या 99% 1% केसेस, आई एम नॉट गॉड, पर 1% केसेस में कई बार ऐसा हो जाता है, लेकिन 99% केसेस में लोगों को उसका बेनिफिट मिलता है जो हम लोग बताते हैं कि ऐसा करो तो तुमको ऐसा फायदा, तो नॉर्मल चीज़ें बताते हैं बिना खर्चे की, ये कुछ करो तो फायदा होता है। जैसे अपन हाथ जो हाथ देखते हैं, ठीक है ना, एक दूसरा होता है जो नंबर से, तो डेट्स की अपन नंबर से निकालते हैं, तो इनमें से ज्यादा किस में परसेंटेज ज्यादा रहते हैं भाई, कौन सी ज्यादा सही होती है? देखो ये भारतीय विधाई थी, अब आजकल लोग कह रहे हैं कि हम लोग रेकी करें, रेकी विशुद्ध भारतीय पद्धति थी जी, लेकिन अब बौद्ध के साथ बाहर गई और वहां से फिर विदेशों में फैली, उन्होंने इसका यूज किया। अब हमारे साथ भारतीयों के साथ समस्या क्या है, घर का जोगी जोग ना, आन गाँव का सच, तो हमारा अपना गांव का जो हमारे आसपास में रहने वाला जो पंडित है या विद्वान है, ज्ञानी है, जो कोई वो बात कहेंगे तो हम नहीं सुनेंगे, ज्ञान नहीं, बाहर का कोई आके बोलेगा कि ये बाहर का आके बोले, क्योंकि हमारी आदत पड़ी हुई है जी, वो तो हमारे हमारी ऐसा चरित्र में ऐसी चीज है कि हम लोग बाहर वाले की ज्यादा सुनते हैं। भारत विश्व गुरु था, आज एकदम रसातल की तरफ जाने लगा, अब कुछ कुछ थोड़ा सी जागृति आई है, कारण क्या यही है कि हम दूसरों की सुनते हैं, अपनों की नहीं सुनते। घर की बूढ़ी दादी बोलेगी ना बेटा नाखून मत काटो या नाखून मत बढ़ने, तो हम नहीं सुनेंगे, नहीं सुनेंगे। पर अगर कोई YouTube पे आके आपको बोल देगा कि नाखून काटने से नुकसान होगा, तो आप तुरंत से एंड टू एंड आप सेकंड भी नहीं लगाएंगे, नहीं लगाएंगे, सही है, जेल के बीच में एक ऐसी प्रजाति कह दे, सॉरी, लेकिन आ गई थी महिलाओं में ऐसा आलस्य, बीच में टाइम ऐसा आ गया था, तो इसके लिए यूट्यूब के जो अपने जैसे मित्र उनका भी धन्यवाद, वो कहते हैं कि रात को झूठे बर्तन ना रखो, तो औरतों ने रखना बंद कर दिया, वरना बीच में कैसा टाइम आ गया था कि औरतें अमूमन रात को झूठे बर्तन छोड़ दीजिए। अब इससे वैज्ञानिक चीजें भी समझो, रात को बैक्टीरिया पैदा होंगे जो सुबह आपकी हेल्थ को इफेक्टेड करेंगे, तो हमारे बुजुर्ग लोग पागल नहीं थे जो कहते थे, वो कहते थे कि रात को झूठन घर में नहीं रहनी चाहिए, इससे अलक्ष्मी आती है, लेकिन जैसे ही उसने कहा कि आपके घर में ये होगी और डॉक्टर ने कह दिया कि आपके वो एक विज्ञापन आता ना लाइट लगे दिखाते आपके हाथों में इतने जम्स हाथ धोए, हमारे बुजुर्ग तो पहले कहते थे हाथ धो के ही भोजन करें और भोजन करने के बाद फिर हाथ धोए,
पर बीच में एक ऐसा प्रजाति आई थी जो कागज से, अरे वो कागज से हाथ साफ करने वाले वो लोग थे मित्र जिनके पास जल की उपलब्धता नहीं नहीं थी थी। वहां, नहीं तो जल नहीं था तब वो हाँ, करते थे, तो उन्होंने कागज का एक लोग निकाला। हमारे पास उस पर्याप्त जमाने में मात्रा में पर्याप्त सब मात्रा में चीज विशुद्ध मिट्टी थी जो मिट्टी शुद्ध थी। थी। मिट्टी से हाथ उसी धोते मिट्टी हैं से हाथ मांज लो, आदमी, जिस गांव में राख बर्तन से हाथ मांजते ना मांजने पर, जिस राख से मंजन करने कर पर रहे हैं। हमारी हंसी उड़ाई जाती थी, और एक कोलगेट या कुछ इस तरह के पेस्ट का प्रचलन बीच में आया। आज कोल उन्हीं में आ रहा है कि ये दंत कांति, इसमें लौंग भी है, तेल भी तिल है, भी है, कोलतार भी है। तो कोलता कोलतार से, कोयले से तो हमारे बड़े पहले भी राख थे। वही तो कच्ची है, राख, वही तो है और क्या, मारवाड़ में कहते थे कच्ची कच्ची राख, राख। अलग अलग जगह पता नहीं क्या कहते होंगे, नहीं जानता हूँ। अपने यहाँ बाड़मेर जैसलमेर क्षेत्र में कच्ची राख कच्ची बोलते राख थे, कि बोलते जैसे वो गाय का कंडा जल गया थोड़ा सा कच्चा रह गया, वो वो उससे दांत मांजे जाते। दांत चमकते भी थे और चमकते मजबूत रहते थे। 90 साल के बुजुर्ग के दांत रहते स्वस्थ रहते। आज नहीं, आज वापस वही चीजें घूम फिर के आ गई। बाहर से घूमते तो बहुत सही है। वही राख की बेइज्जती होती थी, चूल्हे की बेइज्जती होती थी। आज चूल्हे से पकाए हुए खाने को ज्यादा पोस्टिंग हेल्दी और पौष्टिक माना जाता है। नगर तो किसको सही मानोगे? जो आज से 30 साल पहले जो आपको भटका के कह रहा था कि ये सही नहीं है, चूल्हे पे खाना बनाना सही नहीं है, क्या उसको वो सही मानोगे? या आज जो कह रहे हैं कि चूल्हे से बना के खाओ, खाना सही है, पौष्टिक रहेगा? तो ये बात तो हमारे बुजुर्ग लोग, पहले हमारे गए। पहले कह रहे थे पूर्वज। बस समस्या यही है कि हम दूसरों की बात मानते हैं, अपनों की नहीं मानते। तो एस्ट्रोलॉजी भी इस तरह का विषय है कि आप इसको एक विज्ञान के तरीके से देखें। हाथ की रेखाएं बदलती रहती है, आपके इमोशंस के अनुसार भी बदलता है। बदलती है जैसे दिशा। मेरा पूछने का ये था, जैसे अपन जैसे अभी जो चल रहा है आजकल न्यूमेरिकल वाला, ठीक है, नंबर्स वाला, जैसे हाँ डेट ऑफ बर्थ हाँ से, हाँ हाँ पर डेट ऑफ बर्थ ये भी फिक्स है, भारतीय विद्या हाँ, थी, विद्या तो चली गई बाहर, थी, वापस आ गई। वापिस आ गई है। हाँ और जैसे अगर किसी व्यक्ति का डेट ऑफ बर्थ फिक्स नहीं है, जैसे मानो डेट ऑफ बर्थ, मेरी डेट ऑफ बर्थ सही नहीं है, मेरे को पर्टिकुलर याद नहीं है, और मैंने एक दो डेट ऊपर नीचे हो गई है, तो फिर उसके ऊपर जो कुंडली बनती है वो सही होती है वो गलत, नेगेटिव रिजल्ट देगी आपको। नेगेटिव देगी ना, हाँ, वो सही अगर आपका, आपको 1% डाउट है तो वो, वो नहीं आएगी। क्योंकि फिर अपन उस सही अकॉर्डिंग प्रेडिक्शन करना तो चाहेंगे। अच्छा आपको, सही प्रेडिक्शन तो आपको हाथ ही दे सकता है। देखिए, नाड़ी ज्योतिष में अगस्त ऋषि के जो वंशज हैं, दक्षिण भारत में बैठे हैं, तो वो लोग के पास आपके करोड़ों लोगों के हाथों के थम्स हैं। अच्छा आप अपना थम इम्प्रेशन लगा दीजिए, वो अपने ताड़ के पत्तों पर अगस्त ऋषि की लिखे हुए ग्रंथों में उसको संभालेंगे। जैसे आपका रेखाएं मिल गई, वो आपसे पूछेंगे आपका नाम ये है, आपका नाम कुलदीप राजपूत है, आपके पिताजी का नाम ये, माताजी का नाम। जैसे जैसे आप सवालों को हाँ करते रहेंगे, वो आगे हाँ, बढ़ते रहेंगे, फिर अच्छा वो कहेंगे यस, आपका थंब मिल गया है। अब वो आपकी पिछले 7 जन्म, अगले 7 जन्म, और इस जन्म में आपके साथ क्या क्या घटा, क्या अच्छा घटने वाला है, क्या होगा, जी बता एग्जैक्ट 100% प्रिडिक्ट करके बताते हैं। देंगे वो क्या है? हम हस्तरेखा है तो है, थंब हस्तरेखा। इम्प्रेशन में क्या जाओगे, हस्तरेखा में तो जाओगे। ये मैंने समझ तो नहीं था, ये, मेरे को आज हाँ बोला। हाँ ये है। दक्षिण भारत के लोग, उनको वहाँ का राजा, उनके ग्रंथ, उनके पुरखों के ग्रंथ उनको अलॉट किए जाते हैं। अच्छा वापस 1 साल बाद उनसे जमा होता है, जी, उसका रेवेन्यू जमा होता है। अच्छा हाँ बिल्कुल, वो ताड़ के पत्तों पर आज भी है। हाँ अगर वो आपका थंब इम्प्रेशन नहीं मिलेगा तो वो आपसे कहेंगे नहीं, ठीक है, आपके बारे में हमारे पास कोई जानता नहीं। अमूमन 90% लोगों की जानकारी उनके पास रहती है, कैसे, हम उनके पास कैसे रहते हैं क्या, मतलब वो रेखाएं। अच्छा रेखा से हम मैच हो जाती है हाँ, उनके मैच हो अकॉर्डिंग। जाती है। अच्छा अगस्त ऋषि ने लिखा कि एक ही व्यक्ति बार बार रिपीट भी होता अपने कर्म के अनुसार, जन्म में, जन्म मरण के चक्कर अच्छा वो थंब सेम रहते हैं, इंप्रेशन, हम सेम रहते हैं। अच्छा ये तो नई चीज ये थी अब ये सॉरी पुनर्जन्म से रिलेटेड सारी चीजें हो गई। नहीं, हो गई ये मुझे। थम से ही पता चल रहा है ना। आपके पास डेट ऑफ बर्थ नहीं है, आपके पास टाइम नहीं है, कई लोगों के पास नहीं नहीं होता, होता है कि पुराने जमाने में याद रखते नहीं थे लोग, तब आप सिर्फ हस्तरेखा पर विश्वास कर सकते हैं। विश्वास रखें, या आपकी लाइफ में क्या क्या घटित घट रहा है, हो रहा हाँ, है जैसे मुझे, उसको बारीकी से अध्ययन करें, दृष्टा हाँ, बन के दूर जैसे होकर। मैं आपको बताऊँ, जैसे कोई महाराज थे हमारे भी जोधपुर में, गुरु थे, तो मैं उनके पास गया, उनको बोला मैं डेट ऑफ बर्थ मेरे को याद नहीं है, तो उन्होंने मेरे को बोला जब सुबह आप घर से निकलो, जब पहला प्राणी जो आपके सामने आए, किस कलर का है, कौन सा प्राणी है, या फिर आप रास्ते में क्या देख रहे हो, वो चीज़ें मेरे को बताओ, ताकि आपके बिल्कुल, जीवन में क्या क्या हो रहा है उस अकॉर्डिंग वो मेरी कुंडली बनाएंगे, तो ये हाँ सत्य होता है कैसे। बिल्कुल। अच्छा वो आपसे, आपकी कुछ ऐसे सिद्ध भी हैं, जी ज्ञानी हैं, ये मैं कह रहा हूँ बहुत बड़ा विज्ञान जी है, वो आपसे पूछेंगे आपके पसंदीदा कलर कौन सा, आपका पसंदीदा फ्रूट कौन सा है, आपको पसंदीदा फल कौन सा है, आपको फूल कौन सा पसंद है। अब उससे जो आपके भीतर अंतर्मन में चलता है अच्छा वो उसको स्टडी करते हैं।
प्रूफ फिक्स फ्रेम है, फिक्स फ्रेम है। एस्ट्रोलॉजी के लोग आज कल तो पता नहीं है कि नहीं, मैं जब ग्रेजुएशन कर रहा था उस टाइम में भी एक बार मैंने सुना था, लेकिन मैं चूंकि इंटरेस्टेड नहीं था मैं नहीं गया उस फील्ड में। लेकिन कुछ जगहों पर कुछ केसेस में मैंने पुलिस वालों की मदद भी की जी, वो अलग कहानियां हैं। हाँ। लेकिन पुलिस विभाग में, सेना विभाग में इस तरह के लोगों की भर्ती होती है जो एस्ट्रोलॉजी को जानते हैं, अच्छा, या जो पैरानॉर्मल एक्टिविटीज को जानते हैं, अच्छा, जो नंबर विज्ञान भी है जिसमें सब कुछ है उसमें, जैसे बीच में एकदम से फेमस हो गया प्लैंचेट, ये तो भारतीय विधि थी। किसी भी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज को, अब अपन यहाँ बैठे हैं इस आपके स्टूडियो में, लाखों आत्मा इस जगह यहाँ पे खड़ी है, आप नंगी आंखों से नहीं देख सकते, लेकिन जैसे अपन लोग प्लैंचेट पे किसी को बुलाएंगे या बात करने की कोशिश करेंगे, कोई अच्छा साधक है वो उसको बुलाता है, तो वो एनर्जी अपना प्रेजेंटेशन दिखाएगी आके कि यस आई एम हियर, मानना पड़ेगा, वो जवाब देगी। तो इससे कई सारी मर्डर मिस्ट्रियां भी सॉल्व हुई है मेरी आंखों के सामने जी। हाँ, मैं उन सब चीज़ों में बीच में मैं प्रत्यक्ष रूप से जुड़ा भी हूँ, और प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष इस घटना में जी कई जगह ऐसे बुलाते हैं तो मैं जाता भी हूँ तो वहाँ करते, अच्छा, क्योंकि फिर लगा कि नहीं ये कर्म मेरा नहीं है, मुझे इस फील्ड में नहीं जाना है, मुझे सिर्फ हस्तरेखा या जो अच्छा। और सात्विक चीज़ें हैं मुझे उस तरफ जाना है, तंत्र का एक अलग अलग है। फील्ड है। मैं अभी भी सलाह देता हूँ, बहुत सारे मेरे साथ कुछ लोग जुड़ते हैं, आते हैं मित्र लोग भी कि हमको सीखना चाहता, मैं उनको मना करता हूँ इस फील्ड में ना जाए, मैं भी नहीं जा रहा हूँ, आप भी ना जाए। पर आपने कभी तंत्र विद्या की जिसे ले रखी हाँ, है नहीं शिक्षा? हाँ, सारा एक ही है पर वो नाम एक ही है, अलग। पर हाँ कुछ ऐसे सिद्धों से मिला, ऐसे योगियों से मिला। मेरा एक लंबा समय जो है वो साधु संन्यासियों के साथ, योगियों के साथ, साथ रहा। हाँ, मेरा शुरू से बचपन से ऐसा करेक्टर था कि मैं इन लोगों से ज़्यादा अट्रैक्ट होता था, ज़्यादा इनसे अटैचमेंट, तो मैं उनके पास बैठ के जिज्ञासा बस पूछता था कि ऐसा है तो ऐसा क्यों है, ये क्या है, वो है। तो उस दौरान कुछ सिद्धों ने मुझ पर बड़ी कृपा करी कि बेटा ये चीज़ को जानना चाहे तो ऐसा कर, ऐसा कर, ले हम तेरे पास बैठे हैं, ऐसा कर। तो योग्य गुरु होना आवश्यक है, बिना योग्य गुरु के आप इन चीज़ों में ना। बहुत हाथ जोड़ के विनम्र सलाह है। मैंने काफ़ी स्टोरियां सुनी थी जैसे यूट्यूब पे चलती है आजकल, कि भाई किसी आजकल के बच्चे क्या कर रहे हैं, एक नाम चल रहा है पता है अभी बहुत फेमस हुआ है, कर्ण पिशाचिनी, ये नाम बहुत फेमस हुआ है अभी फेमस। और कुछ ऐसे बच्चों की स्टोरियां मैंने सुनी, 10th क्लास का बच्चा है, उसने कहीं से सुन लिया, मैंने यूट्यूब पे देखी थी किसी, आप हमारे पॉडकास्ट पे चल रहा था, उस बच्चे ने क्या किया, 10th क्लास के बच्चे ने कहीं सुन लिया कर्ण पिशाचिनी का, फिर उसने क्या यूट्यूब पे सर्च किया, रिसर्च की, तो कोई ज्ञानी बाबा मिल गया उसको ढंग के, उसने वहाँ से वो देखा, फिर वो बुक मिल रही थी, तो बुक ठग लिया है। उसने क्या कि कर्ण पिशाचिनी को उसने कह दिया कि कर्ण पिशाचिनी अगर आप कंट्रोल में करते हो तो आपको सारी सुविधाएं मिलेगी, सब कुछ मिलेगा आपको, आप जैसा उसको बोलोगे वैसा करेगी। अब उस बच्चे ने कर्ण पिशाचिनी को अपने वश में करने की कोशिश की, उसने सब कुछ किया जो उस किताब में लिखा हुआ था, बहुत चीज़ें अब लंबी कहानी हो जाएगी और बहुत चीज़ें लिखी हुई थी, पर उस बच्चे ने करते करते अपना पूरा जीवन खराब कर दिया। वो कर्ण पिशाचिनी आई, पर वो जिस रूप में आई ना, वो रूप उसके लिए बहुत भारी पड़ा, सही नहीं होता, सही नहीं हुआ, पूरी फैमिली को वो लेके गई, ठीक है, क्योंकि उसने उसको अपना सब कुछ मान लिया, उसके पास वाले सबको उसने नष्ट कर दिया। कर्ण पिशाचिनी की साधना में ना घुसा, ये मैं बता रहा हूँ ना, ये लोग जो इस तरह के वीडियो बनाते हैं मैं उनको मूर्ख व्यक्ति घोषित करूंगा, सच बताऊं वो समाज में बहुत बड़ी विनाश लाने की कोशिश कर रहे हैं, अपने दो चार व्यूअर बढ़ाने के चक्कर में, अपना पैसा बनाने के चक्कर में आप गलत जगह समाज को ना धकेलें। जी, मैं विनम्र निवेदन कर रहा हूँ ऐसे लोग जो ऐसा करते हैं, नहीं करना चाहिए। कर्ण पिशाचिनी प्योर तामसिक साधना है, नहीं करनी चाहिए, हर एक के बस का रोग नहीं। वो करे जो ग्रस्त त्यागी हो, जिसका ग्रस्त ना हो, घर ना हो, संन्यास आगे पीछे कोई नहीं, हाँ आगे पीछे कोई ना हो। कर्ण पिशाचिनी अगर आपने साधना कर ली, आप सफल भी हो गए, तो अव्वल तो वो अपने अलावा किसी और के पास आपको खड़ा भी नहीं रहना। अच्छा, ठीक है, वो आपको सारे सुख जो आपको चाहिए वो देगी, पर अनंत का तो वो मौत भी बहुत गंदी देगी। अच्छा। और ऐसा व्यक्ति मुक्ति को नहीं जाता, स्वयं भी फिर बाद में किसी पिशाच योनि में भटकता रहता है। कृष्ण अच्छा। ने गीता के 8वें अध्याय में, 4वें अध्याय में सबको बहुत अच्छी तरीके से डिस्क्राइब किया है। कृष्ण ने कहा कि
अर्जुन दुनिया में चार तरह के प्रेत होते हैं। अच्छा, एनर्जी जिसको आप एनर्जी बोलते हैं, एक वो जो हवा में निस्तेज, अपन यहाँ बैठे हैं अभी, यहाँ पे भी कुछ तैर रही है तो अपने को पता नहीं, पर वो ना तो किसी को नुकसान दे रही है, ना किसी का अच्छा कर रही है, ना किसी का बुरा कर रही जी। उनका समय नहीं आया, वो यहाँ खड़ी है, चली जाएगी। दूसरी वो जिनको आप छेड़ते हो, आपने कहीं सुना होगा कि यार इसने कहीं पेशाब कर लिया, कोई स्थान था, किसी को आवाज दे दी, आवाज दे दी, या कुछ ऐसा कुछ गाली गलौज कर दी, पीछे आ गई साहब, एनर्जी आ गई पीछे, वो ये हो गए दूसरे तरह कि आपने उसको छेड़ा तो उसने आपको परेशान किया, हार्म किया। तीसरे तरीके की वो जो पिशाच योनि के होते हैं, आपने उसका कुछ ना बिगाड़ा हो, कुछ ना बिगाड़ा हो, पर वो आपको परेशान करेगी एकदम से उस मार्ग पे। कई बार आपने देखा होगा कुछ, बहुत सारे ऐसे भारत में, हिंदुस्तान में, अपने बाड़मेर में, सब जगह राजस्थान में, पूरे भारत में सुसाइड पॉइंट है या फिर एक्सीडेंटल पॉइंट है। अब वहाँ देखोगे तो सीधी रोड पड़ी है, कोई मोड़ नहीं है, कोई घुमाव नहीं है, कुछ नहीं है, पर एक पर्टिकुलर डेट में, एक पर्टिकुलर नक्षत्र में, तिथि में, और पर्टिकुलर वही आएगी, आप रिपीट सारी घटनाओं को एकदम से देख लेना, एकदम से वही तिथि आएगी, वही समय आएगा सब कुछ, और व्यक्ति एक्सीडेंट होकर मरेगा उस जगह, मतलब उसका समय आया, उसने उसको चपेट में लिया, जो भी उस जगह से निकला उसने उसको कैप्चर किया और अपने ग्रुप में शामिल किया। ये तीसरे तरह के प्रेत पिशाच। चौथे जिनको आप पितृ बोलते हो, कृष्ण ने कहा हे कृष्ण, हे अर्जुन, ये भी प्रेत हैं। अच्छा, जो पितृपन, जिनको आप पितृ मानते हो जी, ये भी अतृप्त आत्मा है। इन अच्छा करना इनके हाथ में नहीं होता, बुरा करना कुछ कुछ जगह पे होता है, इनके पावर में रहती है। अमूमन आप देखना, आपने देखा होगा अपने आसपास बहुत सारे लोगों को, कुछ लोग भगवान के या किसी लोक देवता के स्थान पर जाते हैं, या अपने यहाँ जैसे भूमिया कहते हैं, भूमिया के स्थान पे गए साहब, फला देवी के स्थान पे गए हुए, वो पहली चीज क्या मांगेगी, अपने घर में भी यहाँ पे अपने तो परंपरा है राजस्थान में, तो घरों में लोगों के स्थान बनाए रहते हैं, वो क्या मांगेंगे, हे भगवान मेरा भाई मुझे बहुत दुख दे रहा है, मेरी बहन मुझे बहुत दुख दे रही है, आप मारो तब मुझे ऐसा बनाना कि आपसे तगड़ा वाला भूमिया बनूं, या इस तरह की चीज बनूं, पितृ बनूं, और इनके हाथ में छेद करूं। अब आपने प्रार्थना की, आप ये भी मांग सकते थे कि मेरे साथ अच्छा हो, मैं दुनिया का अच्छा करूं, अच्छा जो लोग मेरे पास आए उनका मेरे द्वारा अच्छा हो, अच्छा मेरे से किसी का बुरा ना हो और मेरा भी बुरा ना हो, ऐसी मुझ पर कृपा नहीं मांगेंगे। क्या मांगेंगे, मैं किसी का बुरा करूं। अब वो मर के भी माला भी फेरी, ईश्वर को भी जपा, कुछ भी किया, लेकिन एनर्जी क्या रही अंतिम समय तक, मैं बुरा करूं, मैं जो बुरा कर नहीं सकता हूं वो ताकत मेरे अंदर आए, तो ये चौथी किस्म के प्रेत हैं, जो पितृ बन के आपको परेशान। शादी ब्याह में आपने देखा होगा अपने यहाँ पे तो होता है कि किसी को प्रसाद नहीं चढ़ाया, एकदम से किसी बच्चे की, बड़े की, औरत की एकदम से तबियत खराब हो जाती है, और जैसे ही उनके नाम का प्रसाद रखते हैं, वो पानी का छींटा लगाते हैं, उनके नाम से कुछ रखते हैं, पर्टिकुलर व्यक्ति ठीक हो जाता है। तो क्या है, कृष्ण कहते हैं कि अच्छा करने के लिए मेरे सामने, माधव के सामने, सच्चिदानंद घन स्वरूप परम ईश्वर के सामने जाके चिल्लाते हैं, प्रभु ये मुझे अन्न जल दे रहा है, मेरे नाम से पीपल में जल चढ़ा रहा है, मेरे नाम से रोटी का भोग लगा के कुओं को खिला रहा है, कुछ भी कर रहा है उससे खुशबू से, क्योंकि उनको अन्न नहीं मिलता है, उनको सिर्फ जल मिलता है। कहते हैं शास्त्रों में उल्लेख है कि वो बड़ की पीपल की शाखों पर उल्टे लटके तो सिर्फ जल ही ग्रहण कर सकते हैं, या जो पीपल की जड़ में जो जड़ जल जाएगा वो उनको शाखाओं के द्वारा उनको मिलेगा, इससे उनकी आयु रहेगी। तब वो प्रार्थना करते हैं कि प्रभु तो आप इनका कुछ करो, क्योंकि पीपल और बड़ में स्वयं नारायण बसते हैं, महादेव बसते हैं। अच्छा, मतलब वो स्वयं पितृ कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते। अच्छा, वो अगर बुरा करना चाहे नुकसान देने की, नुकसान दे सकते हैं थोड़ी बहुत, बहुत ज्यादा नहीं, बस थोड़ा बहुत परेशान। जैसे बोलते हैं कि भैया बाप जी है, बिहारो स्थान दो, स्थान दो मुझे, तो स्थान लेने के लिए वो थोड़ा सा वो करते हैं, नुकसान करते हैं, करते हैं। हम अवल तो इस सब चीजों के पक्ष में नहीं है कि आप अपने घरों में इस तरह के स्थान बनाए। मेरे को जहाँ भी बुलाया जाता है, मैं कहीं जाता हूँ विजिट के लिए, वास्तु विजिट ज्यादा करता हूँ मैं जी, तो मैं पहला ही ये कहता हूँ कि अगर पितरों के कहीं स्थान है, इनको कहीं मोक्ष दिलवा सकते हैं, माने इनके नाम से जो दान पुण्य कर सकते हैं वर्ष भर में करें, करें, करना चाहिए, हमें इनका कर्तव्य बनना चाहिए, क्योंकि ये जो शरीर हमको दे मिली ये इनके कारण मिली, अगर ये ना होते तो आज ये होते हमारे पास, हम यहाँ नहीं, अलग नहीं होते। करें जी, जो पुत्र का धर्म है वो तो करें, वो करें,
वंशजों का जो धर्म है वो करें, पर स्थान देना ठीक है। मोक्ष कैसे हो सकता है ये उपाय, ये करवाना चाहिए। जैसे अभी आपने बताया कि जैसे आपने कभी गुरुओं के पास साधना भी की है, गए भी हो, जैसे कभी ऐसी कोई तांत्रिक विद्या के जैसे आपने मतलब कभी महसूस की हो या कभी कहीं गए हो, ऐसी कोई स्टोरी जो पैरानॉर्मल एक्टिविटी हो, क्योंकि आजकल क्या सबको चाहिए कि पैरानॉर्मल एक्टिविटी बताओ, कोई ऐसी स्टोरी बताओ। जैसे अभी थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे कि आप कहीं किसी के साथ गए थे, वो स्टोरी का थोड़ा बताइए ना। साधकों से अपन किसी का नाम वगैरह नहीं ले रहा हूँ ना मैं, और ये कहना भी क्या है, समाज में एक अलग तरीके से गलत मैसेज जाता है कि ये कोई तांत्रिक साधना करके। सबसे पहले तो कोई व्यक्ति कहीं किसी सन्यासी के पास अगर सात्विक ईश्वर का भजन भी सीखने गया है जी, तब भी यहाँ पे एक लोगों की मेंटलिटी हाँ ये तंत्र सीखने गया है, क्योंकि आप स्वयं अंदर से दूषित हो इसलिए आप दूषित मानते हो, आप कहते हो ये तांत्रिक, ऐसा नहीं। एक पैरानॉर्मल एक्टिविटीज की घटना सुनाता हूँ आपको। मैं कहीं जॉब करता था, अब नहीं करता हूँ आजकल, किसी जमाने जब मैं करता था 2000 की बात, 99 की बात, तो हम लोग चौटन के आसपास पैदल आ रहे थे, हमारे ऑफिस थी चौटन में, और चौटन से हम लोग 25 किलोमीटर तक दूर थे, उस जमाने वहाँ पे कोई साधन बहुत कम थे, हाँ साधन थे नहीं, तो पैदल आ रहे थे। तो मेरे साथ जो मेरा एक स्टाफ था, मेरा जो कलीग था, वो बहुत नाराज था कि गुरु आज हम लोग दिन भर में 25-30 किलोमीटर पैदल चल रही है, और अब और 25 किलोमीटर और आगे चलना नहीं है, हम लोग कहीं विश्राम कर लेते हैं ये। तो मैं उसको ऐसे फुसला के पैदल चला रहा था कि यार वो रहा चौटन, वो पहाड़ी की दिख रही लाइट है, अभी पहुंच जाएंगे, ऐसा फोन वगैरह नहीं थे, टॉर्च कर लें, ऐसा कुछ था। और अमावस्या के कृष्ण पक्ष के दिन चल रहे थे, तो चांद भी था नहीं कि भी सड़क पे आप चल के दिख जाए, हाँ दिख जाए कुछ भी। तो अमून उस टाइम में क्या हमारे पास एक थैला रहता था, उसमें हम लोग अपने चादर दरी खाने पीने का चने वगैरह, कहीं रात कहीं रुक जाना पड़े इमरजेंसी हो तो साधन रखते थे, आज भी रखता हूँ, ऐसा नहीं आज भी रखता हूँ, झोला ये थैला आपके पास जो मैं आज भी ये सामग्री रखता हूँ अपने साथ में, अपनी दवाइयाँ या छोटी मोटी चीज पानी की बोतल। तो मैं हम लोग चल रहे थे, वो थक गया पहुंचा था, तो एक जीएलआर टंकी दिखी हमको रस्ते पे जी, नेत्राड़ से चौटन की तरफ जब हम लोग आ रहे थे तब रस्ते, तो जीएलआर टंकी दिखी, मैंने कहा यार ऐसा करते हैं नारायण, हम लोग यहाँ पे थोड़ी देर विश्राम कर लेते हैं, पानी पी लेते हैं, और देखते हैं आसपास कोई ढाणी होगी, कोई रात को रुकवाने की स्थिति होगी। 10:30-11 बज रहे थे शायद, लेट नाइट थी। तो जीएलआर टंकी के पास हम लोगों ने पानी वानी पिया, तो सामने क्या है कि अंधेरा बहुत गहरा था, तो रोड के उस तरफ हमको एक सीमेंट की चौकी जैसा कुछ ऐसा दिखा जी। तो मैंने उस स्टाफ को बोला, मैंने कहा यार मित्र ऐसा है यहाँ पे अपना शायद किसी का टांका वाका बना हुआ है, तो चूंकि नीचे जमीन पे सोएंगे तो टाइम है, कहीं रात को अपने खा ना जाए, थोड़ा ऊंचाई पे सोएंगे तो ठीक रहेगा, सही रहेगा, तो उस टांके पे अपन सो जाते हैं। तो हम लोग सोने के लिए चले गए जी। मेरी माँ ने बचपन से हमको सिखाया था कि कहीं भी एक तो रात को जल स्थान पे सोना नहीं, नदी के किनारे टांके पे पानी का कहीं सोना नहीं, सोने स्थान पे, या सो तो उस स्थान के देवता को हमेशा प्रणाम करके फिर, हाँ कि जो भी स्थान देवता, ग्राम देवता, जल देवता, यक्ष है, जो भी जल का चूंकि देवता यक्ष होता है, तो आप मुझे माफ करें, मजबूरी है इसलिए यहाँ सो रहा हूँ, तो मुझे रात को आप डिस्टर्ब ना करें, मैं भी आपको डिस्टर्ब नहीं करूँगा, मुझे सोने के लिए स्थान था जी, ऐसा बोल के सो जाए। तो ठीक है, क्योंकि बचपन में सिखाया गया था, तो अब माँ की बात याद थी, हम मैंने इसे प्रणाम वणाम किया, वो भाई मेरा जूते जैसे पहना था वैसे उस सीमेंट की चौकी पे जाके सो गया। मैं कहा नारायण पीछे से रख जा, पीछे ऐसा कुछ ऐसा दुमदुमा जैसा कुछ जो अमूमन अपने यहाँ पे टांकों पे हाँ वैसा कुछ बना हुआ, मैं कहा टांके का ढक्कन रखने का ये जो बना हुआ है इस पे अपन सर रख लेते तो तकिया जैसा बन जाएगा और बाकी अपन सो जाए, सो जाएंगे। तो जूते वूते उतार के मैंने अपना प्रणाम करके वहाँ सो गया। बंदा वो जैसे था थका हुआ था, चूंकि दिनभर में 30-35 किलोमीटर लोग चल चुके थे पैदल और भूखे प्यासे भी थे, तो वो जैसे है वैसा हम गालियाँ निकालता हुआ सो गया, सो गया, क्रोध में तो था, गुरु परेशान कर दिया, गुरु ने परेशान कर दिया ये है वो, सो गया। मैं ऐसा अपना शांति से प्रणाम करके सो गया। सुबह 6 बजे का समय रहा होगा, कुछ गुनगुन 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 लोगों की ऐसी आवाज आने शुरू हुई, तो मैं ऐसा नींद में ही बोल रहा हूँ, नारायण उठ, लोग आ गए, अपने को चलना है, पानी भरने के लिए आए लोग।
तो मैं यूँ अध खुली आंखों से उसको बोल रहा हूँ, दो तीन सामने मेरे कुछ आदमी खड़े हैं, थका हुआ था सब, मेरी नींद थी, ऐसे बोल रहा हूँ मैं उसको, कहा भैया ऐसा है तुम टांके से पानी भर लेना, रात को कहीं सोने का स्थान था ना नहीं, तब यहाँ सो तो मैं तुम्हारे इस टांके पे आके सो गया, अब सुबह हम लोग उठ के चले जाएंगे, हम लोग संस्था में काम करते हैं एनजीओ में इस तरीके से। उसने कहा भाई उठो तो सही, देखो तो सही, वो चूंकि देसी भाषा में बोले अपनी, अच्छा कि उठो देखो तुम कहाँ सो रहे हो। जी तो मैं जैसे जैसे उठ के देखा तो वो किसी की दरगाह थी, मजार थी। मजार थी, हाँ चौकी बनी हुई थी इस तरीके से कब्र की, और पूरी रात मैं उसको सोया हूँ जी सिराना रख के। अच्छा मैं उठा, मैंने उसको बहुत साइलेंटली उनको प्रणाम किया कि भाई मुझे पता नहीं था, मैं टांका समझ रहा था, लेकिन अगर ये चीज़ थी तो माफ़ी चाहता हूँ, तकलीफ दी आपको रात को, समझ प्रणाम आता करके उठ गया मैं। अपना मैंने उसको उठाया अपने मित्र को, मैं कहा उठो यार चलो चले अब। चलना है। अब वो उठा तब भी वो थका हुआ था, तो वो ऐसा नाराजगी में ही बड़बड़ाता हुआ उठा, और जैसे ही उठा उसने ऐसे पीछे मुड़ के यूं देखा, उसको पता चला कि मैं पूरी रात एक कब्र पे सोया था या दरगाह सड़क किनारे जो बनी हुई थी। तो एकदम से घबरा गया, उसको बुखार हो गया एकदम से, डर गया एकदम। और पता नहीं क्या हुआ। मैं खुद भी उस चीज़ों को बाद में बहुत सारी स्टडी की, तब बहुत उनके कारण समझ में हाँ आए, एकदम से वो बंदा नीचे गिरा, उसके दोनों पांव टूटे हुए, ऐसे मुड़ गए अच्छा एकदम से। हाँ उसको वहाँ से मतलब 15-16 किलोमीटर रहा होगा उसको शायद चौक, वहाँ तक लाने में मेरी हालत खराब हो गई, किसी गाड़ी में डाल के लेके आए, तब तक शरीर तप गया, बुखार तेज, हाथ पांव मुड़ रहे हैं। वहाँ पे जो लोकल दो तीन सन्यासी वहाँ पे, चूंकि तपस्वियों की भूमि है, तो वहाँ बुलाया गया, उन्होंने कहा यार कुछ नहीं हवा के चपेट में आ गया इस तरह से। फिर उसके घर वालों को बुलाया गया, और उनको हमने जो जहाँ के वो थे बायतू के थे शायद, तो वहाँ भेजा। कुछ साल बाद वो मुझसे मिले तो बोले गुरु उस दिन की जो घटना थी उसके कारण मेरा एक पाँव पतला हो गया। अच्छा पाँव पतला पतला। हाँ एक पाँव जो उनका लेफ्ट जो लेग था वो पतला हो गया, और थोड़ी सी चाल में जो थी लचक आ गया, हल्का सा अच्छा थोड़ापन जो होता है ना लंगड़ापन जिसको बोलते हैं, वो आ गया। उसके बाद कई सालों से मैं उनसे मिला नहीं। मैं चीजें होती उनसे है। महात्मा वहाँ पे एक सिद्ध थे, उनसे पूछा, मैंने कहा यार हम तो दोनों सोए थे तो फिर मेरे साथ क्यों नहीं हुआ, तो अच्छा मुझे भी बुखार होना चाहिए, मुझे भी ऐसा कुछ। बोले आप मुझे पूरी घटना सुनाओ आपने क्या किया है, तो जो था बता दी। मैंने हाँ बता दिया कि मैं ऐसे इस तरीके। उन्होंने कहा यही होता है, फायदा यही है कि आप किसी भी जगह अनजान जगह सोते हो या घर में भी सोते हो, तो सदैव स्थान देवता को ग्राम देवता को प्रणाम करके, फिर से इस करो वक्त जो भी कोई एनर्जी मेरे पास खड़ी है मैं आप सबको प्रणाम कर रहा हूँ, मैं सोने जा रहा हूँ, आप मुझे डिस्टर्ब ना डिस्टर्ब करें, ना मैं करो। भी आपको डिस्टर्ब नहीं कर रहा। तो अच्छा आपको जो भी इस एनवायरमेंट में जो एनर्जी है वो आपकी हेल्प करती है, आपको एक पॉजिटिव लाइफ की तरफ लेके जाती है। आप जिंदा आदमी को भी गाली निकालोगे तो वो आपके साथ गुस्सा करेगा गुस्सा करेगा, तो वापिस आप किसी सोए हुए इस एनर्जी को टच कर रहे हो तो जी, वो आपको परेशान उसके करेगा, स्थान पे जाके वहां जाके आप उसको परेशान कुछ गाली भी कर रहे निकालो। हो। तो बोला कि इन्होंने जो गाली गलौज वगैरह जो उस बोली होगी या की होगी, तो उस काम से इनको हुआ ऐसा चीज हुआ। ऐसी कई सारी घटना, ऐसे कई सारी पैरानॉर्मल एनर्जियां कई बार छू जाती है हमको, जी, होता कई बार हम है कहीं लोग। बार। हाँ एक बार ऐसा कैसा हुआ था, मैं चूंकि महाकाल का भक्त हूँ, उज्जैन गया महाकाल, जी उस दिन ये रहा कि श्रावण महीना चल रहा था तो सारी होटलें वोटलें सब बुक, बुक थे और कोई रुकने का स्थान कुछ नहीं। नहीं मिला। तो मैं अपनी पता नहीं कैसे ही मैं क्या क्या, चलो महाकाल उस टाइम शायद पहली या दूसरी बार गया था, मगर काल भैरव के आसपास कोई होटल होगी, या अगर सिटी में नहीं है तो तो उधर वहाँ तो मिल कहीं जाएंगे। होगी तो कोई ना हाँ कोई स्थान सोने को मिल जाएगा। काल भैरव में कोई किसी पुजारी को भी बोलूँगा, कहीं पंडित को भी बोलूँगा, तो कोई ना कोई कोई व्यवस्था हाँ कर देंगे, स्थान मेरा हो जाएगा। मिल जाए। तो नहीं हुआ, मंदिर भी बंद हो गया था, किसी ने कहा बोले यहाँ पे रुकने का कोई स्थान नहीं है। अब चूंकि वापस उज्जैन की तरफ जाना मेरे लिए बड़ा भारी पड़ रहा था, थक गया था बहुत पैदल चल चल के, बहुत परेशान था। तो मैं क्या किया कि सामने में कहा ये शिप, किसी ने पूछा इधर क्या है, तो किसी ने बोला ये शिप्रा का घाट है, अच्छा शिप्रा का घाट है। तो मैं कहा ठीक है, हालांकि मना किया हुआ शास्त्रों में कि नदी किनारे नहीं नहीं सोना, सुना उसको पर अब मजबूरी, इसके अलावा कोई चारा नहीं, चारा कोई नहीं। चौकी वकी होगी, कुछ ऊपर कोई इंसान होगा तो किसी पेड़ के पास जाके सो जाऊंगा, सो जाए। पर हिम्मत है आप तो बोल रहा हूँ। मैं उस ढलान में उतर गया सामने, हाँ और
वहाँ पे एक चौकी पे कुछ ऐसा अग्नि जैसा कुछ जल रहा था। मैं कहा बढ़िया, ठंड का समय है, खुला एरिया, थोड़ी ठंडी हवा आती है, तो ये अग्नि कोई गया होगा साधक, चूंकि काल भैरव का स्थान है तो कोई साधक पाधक गया होगा, कोई हवन यज्ञ कुंड यहाँ पे कुछ हुआ होगा। तो ज्यादा सोचना, दिमाग नहीं लगाया इसमें, ज्यादा सोचा नहीं। पास में एक और चौकी थी, मैं वहाँ पे सो गया, क्योंकि अंधेरा हो रहा था, बहुत ज्यादा लाइटें भी थी। तो मैंने अपना थैले का तकिया बनाया, महाकाल को याद किया, वही सेम प्रणाम वणाम करके मैं बोला स्थान पे सो रहा हूँ, जो भी स्थान का देवता हो ध्यान रखें, मजबूरी है, कोई चारा नहीं है, इसलिए यहाँ सो गया घाट पे। सुबह 4-4:30 बजे होंगे, जोर से आवाज आया, कोई सन्यासी, कोई साधक, कोई बाबा आया है। तो मैं ही सोया सोए बोला ओम महापुरुषाय नमः महाराज, बोलता ओम ब्रह्माय नमः। तुम ब्रह्मा है कि राक्षस है कि ब्रह्म राक्षस है? मुझे ऐसी आई सोते सोते, मैंने बोला महाराज ब्रह्म राक्षस कैसे कह रहे, ब्रह्म ब्राह्मण हूँ, तभी तो आपको महापुरुषाय ना बोला। तो बोला तो सोया किस जगह पहले, वो तो देख, मुझे क्या पता, रात को लाइटें थी नहीं, ये चौकी थोड़ी सी साफ दिख रही थी, सो गया। पास में थोड़ी अग्नि जल रही थी उधर, मुझे लगा यहाँ पे गर्म हवा भी आती रहेगी तो सेफ रहूंगा, और कोई जंगली जानवर भी नजदीक, अग्नि जल रही है तो कोई सांप बिच्छू भी उसके नजदीक नहीं आता। आपने देखा होगा शेर चीते सांप अग्नि के नजदीक नहीं आता है। तो मैंने अपना सेफ जगह ये देखी, मुझे लगा कि यहाँ सो जाना चाहिए, इससे सेफ कोई जगह थी नहीं। बोले पागल, ये विक्रांत भैरव की सरकार, विक्रांत भैरव सरकार की जगह है, जहाँ विक्रमादित्य वो बैताल को रोज लेके नहीं जाते, कहानी आपने सुनी होगी बचपन, ये वो स्थान था जो मेरे लिए अनुभवी था, मैं उसको जानता नहीं था। बोले ये वो, और तुम शमशान में जहाँ चिता जलाई जाती है उसके ऊपर सोए, तो की वो जो 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 अग्नि जो जल रही वो कोई हवन नहीं हुआ था, वो रात को कल शाम को वहाँ पे चिता जली थी, हम उसका अनुष्ठान करके गए रात को, और अभी हम लोग सारे सन्यासी आए तो हंसे। फिर उन्होंने वो पास में उसी अग्नि में चाय भी घोती गई, पी गई चाय भी पी सुबह आराम से, और उनको फिर वो प्रणाम वणाम करके मैं अपना निकल गया। दूसरे दिन तो ट्रेन, फिर भी आपके हिम्मत बात है भाई, रात्रि में आप इस तरीके से भय नहीं लगता, भय नहीं लगता। बाकी हम लोग तो गली में निकल गए, सांप पीछे वाली गली का बहुत अंधेरा है, कुत्ता भी भौंके। आप कभी देखना चाहें तो आना, मैं जिस मंदिर में पूजा करता हूँ शिवधाम में, मैं जैसे ही आरती का शंख बजाऊंगा, दो कुत्ते मेरे बाएं से हैं जो अमूमन कहीं से भी हो पहुंच जाते हैं, और शंख की ध्वनि के साथ साथ वो अपना आलाप लगाते हैं जोर से करते हैं। कुछ लोगों ने मुझे कहा बोले ये नेगेटिव एनर्जी, मैं बोला नहीं, ये आरती में सम्मिलित हो, ये भी अपनी तरफ से शंख बजा, तो बजने दो, महादेव का संग ये अपने तरीके से बजा रहे हैं, मैं अपना तरीके से बजा रहा हूँ। तो वो आते हैं इस तरीके से, आप प्रैक्टिकली कभी आए उधर तो वीडियो बना जरूर जरूर वो दिख जाएंगे, जरूर आएंगे। एक छोटी सी बेसिक अपन समाप्त करेंगे, समय हो गया है, फिर अगली बार आएंगे। छोटी छोटी चीज़ें जैसे अपन ये मिथ नहीं होते, छोटे मोटे ये करेंगे, जैसे शनिवार को नाखून नहीं काटने होते हैं, तो इसका क्या है, ये पर्टिकुलर कोई इसके पीछे है साइंस है क्या है कैसे? देखो नाखून और ये सब क्या है, ये सूर्य के अंश जी, नाखून बाल और दाढ़ी जी, ये मंगलवार गुरुवार शनिवार और रविवार को नहीं काटने चाहिए। हम अंग्रेज बन गए, हमने रविवार को बाल दाढ़ी कटवाना शुरू कर दिया, नहीं करना चाहिए। बाल दाढ़ी के लिए शुक्रवार, वास्तविक समय शुक्रवार और बुधवार, क्योंकि शनि सूर्य का पुत्र है, भले पिता पुत्र में वैर है, परंतु अगर आप इस दिन नाखून काटते शनिवार के दिन तो सूर्य नाराज होगा, और रविवार को काटते हैं तो शनि देव नाराज हो जाएंगे, क्योंकि सूर्य के शिष्य हैं हनुमान जी, और मंगल ग्रह के अधिपति देव हैं। इस पे फिर कभी चर्चा करेंगे। मंगल मीन्स हनुमान नहीं है, मंगल अपने आप में एक अलग आइडेंटिटी है, अच्छा। एक अलग व्यक्ति है, एक अलग शख्सियत है, हाँ, उसके अधिपति देव हनुमान है। मंगल अपने आप में अलग देव है, एक अलग पर्सनैलिटी, वो शिव के पुत्र हैं जी, लोहितांग उनका नाम है। अच्छा, अभी फिर विस्तृत चर्चा करेंगे कि क्यों। हाँ, तो हनुमान चूंकि सूर्य के शिष्य जी, तो वो भी इन सब चीजों को तो नहीं करते। एक पुराने जमाने में लोग कहते थे अपने बूढ़े कि शाम के टाइम नाखून नहीं काटना चाहिए, और ऐसे काट के एकदम से कहीं नीचे नहीं गिराने चाहिए। देखो साइंटिफिक भी था और ग्रह के हिसाब से चीजें सारी साइंटिफिक थी, ग्रहों का नाम लेके आपको समझाने का एक तरीका। नाखून आप काट के ऐसी जमीन पर डाल देंगे तो चिड़ी उसको या छोटे पक्षी जो होते हैं उसको चावल का दाना या कुछ समझ के खा लेंगे, खाएंगे और खाते ही वो मर जाएंगे।
जी नाखून है निकलता नहीं, ऐसा नहीं। किसी दाह संस्कार में भी वो जाते तो नाखून हड्डियां सबसे लास्ट में जलती है, कपाल क्रिया में आप देखने हो नाखून और बाल जो है ये अमूमन जलते नहीं जलते। तो वो जाते ही उसको एक जीव की और हत्या हो गई, आपने अच्छा नहीं किया। तो कहा जाता था कि किसी पेड़ के नीचे या बड़ के नीचे या पीपल के नीचे थोड़ी सी मिट्टी खोद के इनको दबाते। एक और चीज भी कि तंत्र क्रियाओं में बाल और नाखून का बहुत तगड़ा प्रयोग है। हाँ ऐसा नहीं तो इनको एक्चुअली डीएनए से रिलेटेड मानते हैं ना भाई, तंत्र नाखून से आपको वश में कर सकते हैं, कर सकते हैं। मैं आपको हिप्नोटाइज भी कर सकता हूँ, आपके नाखून आपके बाल मेरे पास विधियां हैं। हिप्नोटिज्म भी स्ट्रोक का एक पार्ट है। तो किसी पुराने जमाने में किसी रोगी को ठीक करते थे ऑपरेशन में, एनेस्थीसिया वगैरह थोड़ी होती थी तो हिप्नोटाइज करके तो उसके ऑपरेशन होते। अच्छा, कोई ऑपरेशन ऐसा थोड़ी कि आधुनिक वैज्ञानिकों ने ऑपरेशन की विधियां खोजी है, अंग्रेजों ने खोजी शल्य क्रिया, हमारे भारतीय विद्या है। वरना रावण के 10 शीस और गणपति के शीस का जो रखना है वो ये सारी चीजें हैं। खैर, पर अपने को नहीं करना चाहिए इस तरीके से। तो ये सूर्य से रिलेटेड चीजें हैं, मंगल से रिलेटेड चीजें। तो मंगल भी इस तरीके से वो ग्रह डिसबैलेंस होता है जो अपने हाथ में भी है, तो इससे बचना चाहिए। सौंदर्य का क्या गुण? शुक्रवार, शुक्रवार तो उस दिन आप अच्छे स्वस्थ रहेंगे, नाखून वाखून काटेंगे तो एक पॉजिटिव एनर्जी, क्योंकि आपने शरीर की गंदगी साफ की, लक्ष्मी को दूर किया है तो वो आपको पॉजिटिव एनर्जी देगी। और एक चीज और, इसको एक और हमारे मित्र थे उसको ऐसे कहते थे, अच्छे व्यक्ति थे, वो कहते थे कि सिंह भाई आपको पता है, बैठते थे साधना काल के साथ में गुरुओं के पास में, तो वो कि एक और कारण था, क्योंकि वो नई जाति से थे। अच्छा, तो सेवा भाव में हमारे वहाँ लगे रहते थे आश्रम में। बोले एक कारण मुझे समझ में आता मेरे पुरुखों का कि गुरुवार को बाल नहीं काटना। तो बोलता भाई क्या तुम बता दे। बोला यार सबके पास एक एक दिन छुट्टी का होता था। अच्छा, हमारे पास अलग कोई छुट्टी नहीं, राजा भी जब जी चाहे तब बोलते कि आ जाओ बाल काटो, कोई भी आता तो हमको तो काटनी काटनी। तो बोले गुरुओं ने भी मदद की, ऐसा कुछ कहा कि भाई गुरुवार को और रविवार को बाल बाल नहीं काटने, सूर्य के अंश तो कम से कम हफ्ते में दो दिन हमको हमारे जो व्यक्तिगत काम है उसके लिए मौका, उसके लिए समय मिल जाता था। हमारे अपने घर की साफ सफाई करने के लिए, हमारे अपने घर को मैनेज करने के लिए आवश्यक सामग्री हुई खरीद फरोख्त के लिए भी हमको समय मिल जाता था। तो ऐसी व्यवस्थाएं तो समाज में थी, सबका ध्यान रखा जाता था। ये मिथ है, भ्रम है, झूठ है, प्योर बकवास है कि जो वर्ण व्यवस्थाएं थी या योग व्यवस्थाएं थी वो शोषण के लिए बनी थी, नहीं बैलेंसिंग थी। उस समय के तो अभी इस पे भी चर्चा करेंगे क्यों बैलेंसिंग, और जब से ये बैलेंस बिगड़ा तब से क्या समाज में प्रॉब्लम शुरू हुई, जरूर इस पे फिर कभी चर्चा। लेकिन इसका ध्यान रखना पड़ेगा हमको, नाखून कब काटने हैं। जी हैं काफी है, जैसे झाड़ू खड़ा नहीं रखना चाहिए, झाड़ू नहीं रखना चाहिए, झाड़ू खड़ा, झाड़ू कभी खुले में नहीं रखना चाहिए। अच्छा, है ना, झाड़ू कभी भी, देखो जो ये चैलेंज करता है ना, मैंने बहुत पहले भी बोला था, आज से 6 महीने पहले भी बोला था किसी को, अपने एक वीडियो में भी बोला था, मैं आज फिर से बोलता हूँ कि जो व्यक्ति ये कहता है कि वास्तु पाखंड झूठ इसमें कुछ नहीं है, ऐसा नहीं है वैसा नहीं है, मैं उनसे चैलेंज करके कहता हूँ कि घर के उत्तर में झाड़ू खड़ा करके रखो मात्र 27 दिन तक। अच्छा, और घर के दक्षिण पश्चिम कोने में अगर खाली जमीन हो तो वहाँ 3x6 का गड्ढा कर दो, टांका बना दो, कुआ बना दो, जल को रखने का स्थान बना दो, या भंडारण का कोई स्थान गड्ढा गहरा करके देख लो। अगर पैसे पैसे को मोहताज ना हो तो मुझसे आके मिलना। अच्छा, चैलेंज के साथ कह रहा हूं कि ऐसा ही होगा, तय है, चैलेंज नहीं कर सकता कोई इसको। आप खड्डा खुदवा के देख लो, पता चल जाएगा आपको, ऐसा है ना, कुछ नहीं होता। आप अपने घर के ग्राउंड वाटर रखने का क्या स्थान है? उत्तर में, अपने बूढ़े मारवाड़ी में अपने बात करो तो क्या होता, कौन कहता क्या अग्नि अग्नि खूंट में होनी चाहिए। अच्छा, जो अग्नि कौन है घर का, वहाँ अग्नि होनी चाहिए, मतलब रसोई वहाँ होनी चाहिए, जल खूंट में जल, उत्तरोण में जल रखो। अच्छा, मारवाड़ी में कहते हैं उत्तरोण में जल रखो, उत्तर यानी उत्तर और पूर्व के बीच का जो कोण। अच्छा, उत्तर पूर्व बीच में, बीच में उत्तर से लेके पूर्व तक आप ग्राउंड वाटर बनाएंगे, आपकी लाइफ अपग्रेड हो जाएगी। अच्छा हाँ,
और इसी स्थान पर आप छत के ऊपर पानी की टंकी रख लीजिए, अगर घर में बर्बादी ना शुरू हो तो मुझसे कहिए। अच्छा, जो चैलेंज करता है वो अच्छा, मतलब सेम पानी टंकी जो अंदर अब वही ग्राउंड वाटर में तो आपको लाभ दे रहा है, वही ऊपर है नुकसान दे रहा है। अपने जैसे उत्तर दिशा इस साइड है ना, उत्तर पूर्व ये दिशा है, ये दिशा है, और ऐसे अगर इसके ऊपर टंकी हो तो नुकसान होता है, नुकसान देगी। अगर टंकी साइड में हो तो इसको हैम्पर कर देगी। टंकी पूर्व में हो तो नहीं, टंकी का जो ओवरहेड वाटर टैंक के जो स्थान है वो दक्षिण से दक्षिण पश्चिम के मध्य है, मध्य होता है ना। हाँ अच्छा, ईशान सदैव हल्का रखने की बात होती थी। अच्छा। लोग कहते हैं पुराने लोग नहीं मानते, तो आप पुराने जितने भी स्ट्रक्चर हैं, पुराने किले, पुराने नगरों की बसावट, कैसे किसको कहाँ क्या स्थान दिया गया है आप देखना, उन नगरों का आज भी अस्तित्व इतिहास में है, वो अपने इतिहास को लेकर खड़े हैं मजबूती के साथ। दक्षिण पश्चिम उठावा होना चाहिए, जोधपुर को देख लो, जोधपुर किले किला दक्षिण पश्चिम में हाइट तो जोधपुर आज भी टॉप पे है, तब भी टॉप पे था, आज भी टॉप पे है। अपना रेवेन्यू जनरेट करने में वहाँ का राजघराना आज भी टॉप पर है, हिंदुस्तान के सभी राजघरानों के मुकाबले में टॉप पे, अभी टॉप पे है, यही कारण। जैसे वास्तु में घर की जैसे दिशा बोलते हैं, घर की मेन दिशा कौन सी होनी चाहिए सबसे अच्छी? दिशा कोई खराब नहीं और दिशा कोई भी अच्छी नहीं। अच्छा, देखो मुख्य तौर पर अपन देखते हैं कि दक्षिण पश्चिम, दक्षिण दिशा, कोई कहते हैं दक्षिण का देश गेट खराब था, दक्षिण पश्चिम में भी या दक्षिण के गेट में भी अपने को नौ खंड, जो अपनी जैसे जमीन है ना, उसको नौ पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा। उसमें फिर अपने को देखना पड़ेगा किस जगह का गेट अपने लिए शुभ है, किस जगह का गेट अपने लिए अशुभ नहीं, वो पूरा एक गणित है, पूरी गणना है। अच्छा, उन नाप के हिसाब से अपन उसमें से निकालते हैं कि ये ग्रिड जो है ये गेट के लिए अच्छा है, ये ग्रिड गेट के लिए अच्छा नहीं है। आप एक स्टडी करें छोटी सी चैलेंज के साथ, कह रहा हूँ चूंकि मैंने घर में भोगा स्वयं की, मैंने क्या कहा स्टार्टिंग में कि मैंने स्वयं पे एक्सपेरिमेंट किए थे, स्वयं की समस्याओं को खोजने लगा समाधान, तब मैं इस फील्ड में आया। पारिवारिक माहौल ये था, हमारा खानदानी काम ये अलग मुद्दा है, बट मैं तो इंटरेस्टेड नहीं था जी। मैं इसमें आया हूँ खुद की घटनाओं के, जिन घरों में ईशान कोण में रसोई है। अच्छा, ईशान कोण मतलब एक बार बताइए। हाँ, ईशान कोण उत्तर और पूर्व के बीच का कोण, पूर्व के नजदीक उत्तर से दूर। अच्छा, इस साइड मतलब। हाँ ठीक, उत्तर पूर्व में ईशान कोण में जिसके रसोई है और अग्नि कोण में, उससे अगला कोण अग्नि, पूर्व पूर्व के जस्ट बाद वाला अग्निकोण, पूर्व दक्षिण के बीच में, दक्षिण पूर्व को अग्निकोण कहते हैं। अच्छा। दक्षिण और पूर्व के मध्य, पूर्व के नजदीक दक्षिण से दूर, तो अग्निकोण में जिसके पूजा घर है। अच्छा, और ईशान कोण है जिसके रसोई है, उस घर का मुखिया मेंबर पुरुष या स्त्री सदस्य, एक तो उस घर में से कभी बीमारी खत्म नहीं होगी। अच्छा, शुगर हाइपर रहेगी जी, 300 से ऊपर शुगर रहेगी जी, तय मानना घर का मुखिया कैंसर से मरेगा मरेगा मरेगा, किसी का बाप नहीं रोक सकता, कोई विधि कोई तंत्र कोई मंत्र कोई यंत्र नहीं बचा सकता। अच्छा, पर्टिकुलर कैंसर ही, कैंसर होगा ही, हार्ट और कैंसर दो मेजर बीमारियों से, मतलब मेजर बीमारी जो मेन बड़ी बीमारियों से होगा। और अग्नि कोण में पूजा घर है तो एक्सीडेंटल डेथ होगी। अच्छा, होगी, फिक्स है, फिक्स, कोई चैलेंज, कोई चेंज नहीं कर सकता। एक जिस घर में एक सीध में तीन गेट हो, अच्छा, मुख्य द्वार, सेकंड द्वार, मिड वाला, लास्ट का कोई कमरा है, अमून अपने यहाँ पे इस तरह के होते हैं मकान, इन बाड़मेर की बात मैंने ऐसे कई घरों में स्टडी किया, वहां की बात होते हैं, उन घरों में पैरानॉर्मल प्रॉब्लम रहेगी। अच्छा, वो खुला द्वार मिल रहा है उनको, तीन गेट एक तरफ है रहेगी, उस घर में जितनी योग्यता के अनुसार उस घर की प्रोग्रेस होनी चाहिए नहीं होगी, नहीं होगी, योग्य पुत्र अयोग्यता का शिकार होके निकम्मा होके घर में बैठा हुआ मिलेगा, कोई जॉब नहीं। अपन ज्यादा दूर क्यों जाए, बाड़मेर के जिन जिन मकानों में टी पॉइंट बनता है। अच्छा, टी टी मतलब
जैसे एक गली ऐसे आई एक और ये नीम गली वाली, यूं मुड़ गई। अब ये जो ठोकर का अच्छा मतलब सामने कोने मकान, वाला मकान। गली के इधर और इधर वाला भी मकान हाँ और सामने जो ठोकर पे मकान, जैसे अच्छा गली आई यहाँ खत्म हुई, यहाँ अच्छा से जिस यूं घर के मुड़ी सामने यूं, खत्म हुई गली। हाँ जिस घर के सामने, हाँ इट्टी बन गया ना। हाँ तो ये तीन घर, ये और एक सामने वाला। हाँ अब जैसे ये क्या होगा, हाँ समझ गया मैं। ये यहाँ बताते हैं, हो देखिए ये गली आई और ये एक गली है, अच्छा ये गली है, ये टी बन गया ना ठीक। अब जो इस गली के ये वाला मकान है, ये वाला मकान है, ये मकान। इसके पास वाला, इसके पास वाला और इसके पास वाला, इसके पास वाला, ये तीन और तीन छह और तीन नौ मकान है, अच्छा जबरदस्त तरीके से पीड़ित होंगे होंगे होंगे, जिसमें तो सबसे सामने वाला जो एकदम सामने ठोकर जो पिट लगती है रहा। वो बहुत ज्यादा पीड़ित होगा, अच्छा स्त्री जातक मरेगा। अच्छा अगर दक्षिण का टी बनता है, जो अच्छा बाड़े में जिनके दक्षिण के टी बनता है, मैं उनकी घरों की स्थिति आपको, आप देख लेना, इस खत्म होने के बाद मैं आपको उन घरों की निशानी अपने पड़ोस में दे दूंगा, उन जी। घरों की स्थिति क्या देख लो क्या हुआ, साथ इसका मतलब जैसे चलो किसी घर। स्त्रियां हाँ मरेगी, बच्चियां जवानी से पहले जवान हो जाएगी, अच्छा मतलब हाँ समझ रहे हैं ठीक, मैं हाँ ठीक आधे है समझ अक्षर में गया। कह रहा हूं, समझ गया मैं। और पुरुष भी पीड़ित रहेगी, मकान खड में जाएगा। अच्छा ये मैंने चूंकि इस शहर में रहता था जी तो सीखने के लिए कहीं और तो जा नहीं सकता, सही है। तो अपने ही शहर में ये स्टडियां की, ये अच्छा 20 साल मैंने इन स्टूडियो में ही गवाए गवाए नहीं कह सकता, मैंने सीखा है। ठीक है, बाई चांस जैसे किसी घर हाँ वहां आ गया हो और ऐसा हो पन्ना दिया हो, इसकी क्या फिर क्या रेमेडी क्या है इसकी? इसकी अलग अलग किस दिशा में उसका टी बन रहा है अच्छा उसके अनुसार उसकी रेमेडी होती है। अच्छा मतलब कोई जैसे अपना घर है, अपने घर के अकॉर्डिंग कोई घर हो ऐसा टी बन रहा हो तो, अगर ऐसा कोई टी बन रहा हो अपने घर में, सपना जैसे घर, अपनी दिशा, ये दिशा कौन सी हो गई है, दक्षिण हो गई, ये दक्षिण हो गई। दक्षिण दिशा को घर गेट निकल रहा है और हाँ उसके यहाँ से एक रोड और एक रोड ऐसे जा रही है, हाँ तो अपने वो घर के आगे से एक रोड और सामने रोड आके अपने घर हाँ पे खत्म हो रही खत्म है, नहीं हो रही मतलब पास से जा रही है तो। तो भी ऐसे स्थान पर अंदर का वास्तु हाँ दोष उस मकान में होंगे ही होंगे, पहले तो उसको बैलेंस करेंगे और बाहर अपन एक परावर्ती आईना लगाएंगे अच्छा, ये ताकि, घरों के बाहर जो आईने लगाते हैं वगैरह करते हैं, हाँ अच्छा परावर्ती आईना, ऑफिस टकरा गए और जो हाँ भी वो, वो एलर्जी चेंज हो जाए, अच्छा रूट चेंज हो जाए। ठीक है। आपको याद है आपकी दादी कभी पूजा घर में, कभी याद हो तो हमारे पुराने बुजुर्ग, आपको याद होगा आएगा अपने पुराने घरों में, अमूमन मालियों के घर, इनके घर रहते थे हमारे घरों में, पूजा घर में एक छोटा सा आईना रखते थे तिकोना, कांच तीन याद कोने है, का, रहते थे, पूछना कभी मम्मी को दादी को, एक तिकोन आईना रहता था अच्छा ट्रायंगल छोटा सा, तो उसका क्या कारण होता माँ था? दादी क्या कहती थी, भगवान का श्रृंगार होकर भगवान को दिखाना चाहिए, वापस रख देना चाहिए। अच्छा याद से मैं देख रहा हूँ बहुत चल रहा है वो, जैसे ही मूर्ति हटाते हैं काइना सामने देते हैं वो तो वो। उस एनर्जी को, क्योंकि प्राण प्रतिष्ठा जब की जाती है, अगर पर्दा खोलते सामने जो भी होगा, अगर उसमें उतनी एनर्जी नहीं है सहन करने की, तो व्यक्ति हो या वस्तु हो उड़ेगा, अच्छा डेथ, तब आईना रखा जाता है ताकि वो फोड़ दे, फोड़ते वो उसको। हैं हाँ कहीं की बार देखा मैं जो अटपना टूटता है, कोई कोई तो पीछे से जोर देके तोड़ देते हैं। तोड़ना नहीं चाहिए, टूटता ही है। मैंने आजकल अभी मैं अभी आपको वीडियो देख रहा हूँ, मैं हाँ काफी रिसर्च कर रहा था, कहीं हाँ जब मैंने देखी कोई ऐसे ऐसे पकड़ बैठे हैं वो हाँ प्रॉपर अपना टूट गया, कोई वो क्या कर रहा है पीछे से यूँ हाथ का जोर दे रहा है, वो दिख रहा है हाथ का जोर दे रहा है, अब फिर क्या होता है भ्रांतियां बस लगती है दिमाग में कि ये सारे फेक है। तो चीजें क्या है, पॉजिटिव चीजें बहुत कम सोचते हैं लोग, नेगेटिव सोचे डर नेगेटिविटी की तरफ ज्यादा जाते हैं, जाते हैं, ज्यादा फिर जाते सबको लगता है कि सारा फेक है चीजें। तो फिर आज का अपन अपने यहीं समाप्त करेंगे क्योंकि बिल्कुल समय बहुत कम है, तो आज को वीडियो को अपन यहीं विराम देंगे, पर बिल्कुल अगले सर हमारे साथ जुड़े रहेंगे, काफ़ी चीज़ें डिस्कस करनी है सर के बाद, बहुत पैरानॉर्मल स्टोरियाँ हैं। तो आज तो क्या मैंने इंट्रोडक्शन के अकॉर्डिंग एक वीडियो बनाया था जिसमें अपन ने बेसिक चीज़ें थोड़ी नॉलेज की थी, अगला वीडियो अपन एक पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ के ऊपर ही रखेंगे सारा, ये सर ने काफ़ी खुद ने चीज़ें करी है महसूस की है उनके ऊपर एक पूरा वीडियो बनाएंगे, और ऐसे वास्तुशास्त्र के ऊपर एक अच्छा सा वीडियो बनाएंगे, बहुत टॉपिक है सर के पास, आप अच्छा इसको वीडियो को रेस्पॉन्स दो, हम सर को लाते रहेंगे, सर अगर यहाँ हुए हमारे साथ जुड़ते रहेंगे, बिल्कुल, अगर यहाँ अवेलेबल हुआ तो जरूर आऊंगा। जरूर आएंगे ठीक है। सर का खुद का चैनल है, सर चैनल का मैं लिंक दे दूंगा वैसे नीचे डिस्क्रिप्शन में, आप लोग वहाँ से सर के चैनल पर जा सकते हो ठीक है, वहाँ सर को फॉलो कर सकते हो।
और अगले वीडियोस जैसे सर के साथ आएंगे उसमें बहुत अच्छी चीजें आएगी इसमें, जैसे मैंने एक तो बोल दिया पैरानॉर्मल एक्टिविटी, एक वास्तुशास्त्र का आ जाएगा, और जल्द हम एक वीडियो लेके आएंगे दीपावली के ऊपर। भाई जाके दीपावली आ रही है तो दीपावली के ऊपर हम लोग क्या चीजें कर सकते हैं जिससे लक्ष्मी जी खुश हो सके, पूजा पद्धति जो अपन घर पे करते हैं लोग नॉर्मल, जैसे कई जगह तो पंडित जी वगैरह बुलाते हैं पर कई जगह नॉर्मल घर पे खुद स्वयं घर का मुखिया लोग करते हैं, तो ऐसी कौन सी बेसिक चीजें हैं जिनका ध्यान रखना चाहिए जिससे लक्ष्मी जी खुश हो, तो वो सारी चीजें अपन अगले वीडियो में लेके आएंगे सर को साथ में। दीपावली से पहले वीडियो आएगा, ठीक है, तो ऐसे जुड़े रहे हमारे साथ। जो लोग नए हैं, जो आप पहली बार देख रहे हैं, वो सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है सर, बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद आपने समय आपका, निकाला। सभी दर्शकों का थैंक यू। ठीक है सर।